ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. ये सूरह हुजरात की आयात हैं और इसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, एक सेकेंड, ए ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो खुद तुम नफरत करते हो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। सदाकल्लाहुल्लाज़ीम। कुरान भी कैसी मतलब खुली किताब है ना इंसानों के, लेकिन इंसान बेचारा जो है ना समझना चाहता है ना देखना चाहता है। हाँ जी, इनको टर्म्स। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों की थोड़ी सी मैं क्लैरिटी बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि इनको टर्म्स जो हैं वो 1 जून 2020 पे उन्होंने अपना लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया है। उसमें दो माइनर सी चेंजेस हैं, हम उनको भी देखेंगे। बट इनको टर्म्स बेसिकली एब्रीवेशन है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स का। अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, ठीक है, ऑल दो दे डोंट लाइक टू बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बनाई नहीं गई थी इतनी कॉम्प्लेक्स होने के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं। अच्छा, हम जो इनको टर्म डिस्कस करेंगे इस पूरी क्लास के दौरान, या मैं जो इनको टर्म आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ओनली फॉर रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इनको टर्म्स को लीगैलिटी के साथ समझना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसके लिए आपको इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको उसके पास अपना रजिस्टर करना है, फिर आपके सेमिनार होंगे। मतलब ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, खुद इनको टर्म्स एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। लेकिन हम सारे मेजोरिटी एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि इनको टर्म 2020 में जो चेंजेस आई है उनको भी देख लेंगे, और अल्टीमेटली आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि अगर आपने किसी से इनको टर्म निगोशिएट करनी है तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं एज बायर, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेलर की हैं एज सेलर, एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को अगर मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो फिर उनकी कहाँ से जो है वो ज्यूरिसडिक्शन शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, और कहाँ पे उन्हें आपने इनकॉर्पोरेट करना है या इन्वॉल्व करना है फॉर अनलोडिंग, लोडिंग और क्लियरेंस पर्पजेज, ठीक है। आपको स्क्रीन शो हो रही होगी यकीनन। इंटरनेशनल कमर्शियल इनको टर्म्स है एब्रीवेशन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स का। अच्छा, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म बनाई क्यों गई या रखी क्यों जाती हैं या इसको देखना ही क्यों पड़ता है, वो हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये सबसे पहले ये एक सेट ऑफ गवर्न रूल्स हैं जो कि सेलर और बायर के दरमियान आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, हमने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे और हमने बड़ी डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट को देखा था, कॉन्ट्रैक्ट के हेडर फुटर, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं। और इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमने एब्रीवेशन या हमने अल्टीमेट ये निकाला था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसको बनाते वक्त आपको हर चीज़ को क्लियर रखना है, ठीक है। बट अब आती है लाइबिलिटी एंड लीगैलिटी की बात, कि लोडिंग किसकी जिम्मेदारी है, अनलोडिंग किसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, हम अगर हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में कहें तो हम कहेंगे यार ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, वो लोड नहीं करवा रहा हम करवा देते हैं, हम लोड अनलोड नहीं करवा रहे वो करवा दे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की, ठीक है। हम यहाँ पे सारी बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कॉस्ट, क्योंकि
आपका सप्लायर, आपका वेंडर या तो चाइना में बैठा है या किसी ऐसे मुल्क में बैठा है कि जो नॉन एक्सेसिबल है पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान उसके केस में नॉन एक्सेसिबल है पाकिस्तान में। अगर उसको एक, मैं बहुत लीस्ट एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ, अगर उसको एक सुई भी गाड़नी है ना, तो उसके लिए उसको एक बंदा हायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक 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 चीज़ को अनलोड कराने के लिए गाड़ी भी करानी है ना, तो उसको उसके लिए बंदा हायर करना पड़ेगा जो कि उसकी कॉस्टिंग में शामिल नहीं होगा। तो ऐसी कन्फ्यूजन्स को क्लियर रखने के लिए और ऐसी कन्फ्यूजन्स को मिटिगेट करने के लिए, और साथ ही साथ लीगल सिस्टम को, जैसे कि सबात साहिबा को अभी बाय शिप पे मॉडल देखना है, तो बाय शिप पे मॉडल आपको कहता ही है कि आपको लीगल सिस्टम के साथ हारमोनाइज होकर चलना है। तो लीगल सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म बनाएगी। अगर ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म नहीं होती ना, तो होता क्या कि हर मुल्क अपना एक सेट ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना लेता जो कि वो दूसरे पे इम्प्लीमेंट करवा रहा होता, और बाज़ औक़ात दूसरे के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना या दूसरे को उसके लिए जो है इनकॉर्पोरेट करना नामुमकिन हो जाता। मैं सबसे आसान मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी चाइना में, किसी फ्रेट फॉरवर्डर जो चाइना में काम कर रहा है ना, आप उसको पाकिस्तान ला दें और पाकिस्तान के पोर्ट पे छोड़ दें उसको, तो वो पाकिस्तान के पोर्ट के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के सिनेरियोस डिफरेंट हैं। यहाँ मास्टर बीएल चाहिए होता है, वहाँ कॉपी बीएल पे काम हो जाता है, या मास्टर बीएल पे सप्लायर की जो आपका 3PL सर्विस प्रोवाइडर है उसकी स्टैम्प ज़रूरी है, चाइना में ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से जो पैकिंग लिस्ट है उसका जो फॉर्मेट है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है या जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है, वो इंटरनेशनल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी तरीके से अगर हम कमर्शियल इन्वॉइस और प्रोफॉर्मा इन्वॉइस की बात करें, तो पाकिस्तान का सिस्टम ये कहता है कि कमर्शियल इन्वॉइस पे ओरिजिनल सील एंड स्टैम्प होनी चाहिए आपके सप्लायर की, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ओरिजिनल सील एंड साइन जो है ना लाजमी नहीं है। हाँ है तो बेहतर है, नहीं तो अगर सप्लायर उसको एक्नॉलेज कर रहा है थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू साइन, ओरिजिनल साइन भी तो भी चल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी लीगैलिटीज एंड चीज़ें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम में डिफरेंट है। अब इसको अगर हम दुनिया पर रख के देखें तो दुनिया में तकरीबन 72 से 75 किस्म के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिनको इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स डील कर रहा है, और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम ICBC जो है, इंटरनेशनल चेंबर एंड बिजनेस कमेटी जो है ना, वो डील कर रही है विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, यूनेस्को और डिफरेंट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बॉडीज। तो अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो इसीलिए जो है ना ये 1936 के अंदर पहली इनको टर्म इशू की गई, ठीक है। अभी इसका हमारे पास 9th वर्जन है, ठीक है, जो कि 2020th में हमें मिला 1 जनवरी को, उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई। अच्छा, इनको टर्म्स को चेंज करना कोई मतलब कोई आसान काम नहीं है। जो आखिरी रिविजन आया वो 14 साल के बाद आया तकरीबन, जो 14 साल के बाद रिविजन आने का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रिपरेशन में 4 से 5 साल लगे, क्योंकि कराना होता है, बारीकियों को समझना होता है कि यार इसकी बारीकियां हैं क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनकोटर्म्स, और इनकोटर्म्स जो है ना ये बनती इसीलिए है कि सेलर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बायर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियरली पता हो, नंबर वन। नंबर टू ये कि तीन चीज़ों को पे फोकस करता है। सबसे पहली होती है कॉस्ट। सेलर ने अगर बायर को कोई इनकोटर्म कोट की है ना, उसका मतलब है कि वो उस वक्त तक की, उस पॉइंट तक की कॉस्ट देने को तैयार है। उसके बाद की कॉस्ट अगर उसमें 1 रुपये की आ रही है, 1 लाख रुपये की आ रही है, वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको क्लियर करना होता है, नंबर वन। नंबर टू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क, कि रिस्क मेरा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। रिस्क तो हर जगह पे है, हर पॉइंट पे, जितनी भी हमारे पास इसके अंदर पॉइंट्स बनते हैं उसके हर पॉइंट पे रिस्क है, लेकिन रिस्क बेसिकली कहाँ ट्रांसफ़र होता है। इसका ईजिएस्ट फॉर्म या ईजिएस्ट मीनिंग ये है कि बेसिकली मैं किस पॉइंट से लायबल बन जाता हूँ, नंबर वन, या अगर इंश्योरेंस करवानी है तो किस पॉइंट से इंश्योरेंस करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर किसी ने इंश्योरेंस करवा के मुझे दी है तो इंश्योरेंस क्लेम करना किसकी जिम्मेदारी है, अगर करवा भी दी है तो क्लेम करना भी बायर की जिम्मेदारी है या सेलर की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रोडक्ट आपके पास पहुंच नहीं जाती, सही है। और इसके बाद आता है रिवॉर्ड, कि कौन से पॉइंट से मैं रिवॉर्ड इंजॉय कर सकता हूँ। यहाँ पर हम रिवॉर्ड ज़्यादातर अपनी इन्वेंट्री को या अपने प्रोडक्ट को कहते हैं, कि यार कहाँ से ये मैं इसको अपनी ओनरशिप में डाल सकता हूँ। अच्छा, इनको टर्म्स का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको आपकी फाइनेंसिंग में या आपकी अकाउंटेंसी में आसानी हो जाती है। और का मतलब यही है कि कहाँ से जो है ये मेरे सप्लायर की बैलेंस शीट से निकल के मेरी बैलेंस शीट में एज इन्वेंट्री आ जाएगी, कि मुझे पता हो कि अब
अब अगर फॉर एग्जांपल इनको टर्म है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, और ये डिलीवर्ड ड्यूटी पेड मेरे पास ये प्रोडक्ट 31 जुलाई के बाद पहुंचनी है, तो मुझे इसका क्लियर मतलब पता है कि 31 जुलाई तक ये इन्वेंट्री ना मेरी लाइबिलिटी है ना मेरी बैलेंस शीट में शो होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये 31 जुलाई को DDP पाकिस्तान पहुंच जाती है, तो अब 31 जुलाई को जो मैं बुक्स बंद करूंगा उसमें मैं इस इन्वेंट्री को अपनी अपनी इन्वेंट्री शो करूंगा या इस इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में लेके आऊंगा, ताकि इंटरनेशनली मैं क्लियर हूँ। नंबर वन, नंबर टू, मेरी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है ना उसमें जैसे ही वो DDP के अकाउंट में मेरे पास गिरती है, बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा इतने अमाउंट से। तो मेरे पास फाइनेंसिंग में क्लियरेंस होनी चाहिए कि मुझे किस पॉइंट से इन्वेंट्री को अपने पास शो करना है और किस पॉइंट तक इन्वेंट्री मेरे सेलर या मेरे जो कम्युनिकेटर है उसके उसकी इन्वेंट्री में। इसी तरीके से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है ना, उनकी लाइबिलिटी जीरो होती है। वो प्रोडक्ट को पिक करते हैं, प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, लेकिन उसको कभी भी अपनी इन्वेंट्री में शो नहीं कर रहे होते। वो एक आर्बिट्रेटर या एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहे होते हैं। वो एसेट ट्रांसफर नहीं करते, एसेट हमेशा जो है वो सेलर का रहता है या बायर का रहता है। ये भी इनको टर्म बड़ा क्लियरली समझा देती है, क्योंकि इनको टर्म में कहीं भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की बात ही नहीं की गई। इनको टर्म कहता है बायर या सेलर। अब बायर अपनी जगह पे किसी को अगर आर्बिट्रेटर बना रहा है तो मतलब ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर का ही है या सेलर का ही है, इसमें आर्बिट्रेटर का कोई रोल नहीं है। आर्बिट्रेटर हमेशा सर्विस प्रोवाइडर ही रहेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बताती है, सारी ट्रांसपोर्टेशन और मॉडर्न डे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस हैं उसमें इनकोटर्म अप्लाई हो सकती है। इनकोटर्म के बेसिकली दो मेजर जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है वो सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे लग जाता है, एयर हो, रोड हो, रेल हो, और एक जो है वो सिंपल और क्लियर फॉर्म में सी के लिए लगा हुआ होता है, कि जिस जिस फॉर्म को आप सिर्फ सी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो ट्रेडर्स होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको कम करने के लिए इनको टर्म्स बनाई गई हैं। जी नहीं हुसैन साहब, ये जो इनको टर्म्स है इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके जो है वो सेटलमेंट भी जो है वो ICC ही करती है ना एज एन आर्बिट्रेटर, या जो है वो किसी कंट्री के पार्टिकुलर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करेगी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखें इनको टर्म्स पहले तो खुद सेल्फ डिफाइंड है, ठीक है। इनको टर्म का अगर आप जैसे सिर्फ एक्स वर्क की बात करें तो उसमें 8 पेज का आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो एक्स वर्क को बताता है कि एक्स वर्क है क्या, ठीक है। गॉड फॉरबिड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी दो कंट्रीज के दरमियान, तो वो ICC को रिक्वेस्ट कर सकती है आर्बिट्रेट करने की। तो वो आर्बिट्रेशन की चार्जेस लेता है अपने, फिर वो आता है उसके मुल्क में जाता है, फिर सारी कम्युनिकेशन पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है कि कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुई है, ठीक है। लेकिन इनको टर्म्स खुद ना एक सेल्फ डिफाइंड रूल है। जैसे इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपने कोई चीज़ अप्लाई कर दी है और आप उसमें आपको समझ में नहीं आई या मुझे समझ में नहीं आई, तो आर्बिट्रेटर कोई भी नहीं होगा इसके अंदर। जैसे अगर आज आजकल जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप अक्सर हम क्योंकि कोविड के अंदर हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत पढ़े, तो आपने देखा होगा उसको साइन एक आदमी करता है, लेकिन उसको एक्नॉलेज को 15-20 आदमी नीचे कर रहे होते हैं, 15-20 डिपार्टमेंट उसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि मैंने एक बंदे ने रूल निकाल दिया लेकिन सब समझा सबको दिया है। इसी तरीके से ICC ने जब ये इनको टर्म्स निकाले ना, तो अब LC के अंदर या बैंक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब आप इनको टर्म लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपको इनको टर्म पता है क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है या कोई ऐसा डिस्प्यूट आया जो कंट्री बाय कंट्री के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर ये लॉ है कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर आ रही है उसका इंश्योरेंस पाकिस्तान से ही करवाना है आपने, आप बाहर से कहीं से इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। अब आपने इनको टर्म ले ली DDP, DDP का मतलब है कॉस्ट भी उसकी, इंश्योरेंस भी उसका, ट्रेवलिंग भी उसकी, लेकिन पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक DDP लेने के बाद भी आपने इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान नहीं पहुंची तो आप पाकिस्तान में उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं डाल सकते। फिर वही इंश्योर करा के अगर आपको बाहर से वापस भेजेगा तो ये होगा, आप पाकिस्तान में उसका इंश्योरेंस क्लेम करा के उसके पैसे नहीं निकलवा सकते। तो ये तो अब उसके साथ ट्वीक्स एंड टर्न्स हैं के स्टार बना के कि भाई अगर ये इंश्योरेंस है तो ये इंश्योरेंस जो है वो सब्जेक्ट टू कंट्रीज परमानेंट, वरना लोग क्या करते थे खाली कंटेनर मंगाते थे उसको समंदर में फेंक देते थे और उसका इंश्योरेंस क्लेम ले लेते थे, इससे हवाला और हुंडी का काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, लोग खाली कंटेनर समंदर में फेंक के 10-10 लाख का 15-15 लाख डॉलर का इंश्योरेंस ले रहे हैं और उसके जरिए बेसिकली पैसा ब्लैक से व्हाइट हो रहा है, या पाकिस्तान से कुछ नहीं भेज रहे और वहां पे कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट पहुंची नहीं और इसका इंश्योरेंस क्लेम बारी बार कर दिया तो पाकिस्तान से रेमिटेंस बाहर चली गई। तो इसलिए लॉ डाला गया कि नहीं यार जो भी इंश्योरेंस होगा वो पाकिस्तान के अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होगा।
तो ये तो अभी एक स्टेरिक है, एक अंडरलाइन लॉ है कि जो चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर. इसी तरीके से बहुत जगह, इसी तरीके से इनकोटर्म्स खुद भी ना निगोशिएबल है. अब पाकिस्तान के अंदर एक और मसला ये है कि आप किसी भी इनवॉइस के ऊपर एक्स वर्क्स लिखवा के नहीं मंगवा सकते. आपके पास अगर एक्स वर्क्स लिखा होगा पाकिस्तान की एलसी नहीं बनेगी. आप निगोशिएट एक्स वर्क्स पे करेंगे, लिखवाएंगे उस पर एफओबी या एफओसी या सीएफआर. तो अब ये आपकी और सप्लायर के दरमियान निगोशिएशन है कि आप सीएफआर लिख के देंगे लेकिन आप उसको ट्रीट एक्स वर्क्स ही कर रहे होंगे. मैं एक्स वर्क्स के मुताबिक ही आपसे चार्ज कर रहा हूँ, एक्स वर्क्स के मुताबिक ही आपकी लाइबिलिटी होगी, आप उसको ट्रीट एक्स वर्क्स करेंगे, लिखेंगे सीएफआर. तो ये तो अब इनकोटर्म खुद भी निगोशिएबल है. ये कहीं पे कोई ऐसा मसला आ रहा है कि जिसकी अब फॉर एग्जांपल कहीं इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ गई, जैसे फॉर अभी ये समुंदर में आके जहाज फंस गया, तो अगर किसी की इमरजेंसी होगी तो वो क्या करेगा, वो एक छोटा जहाज भेजेगा और उसको पिक करवाएगा. अब इनकोटर्म के मुताबिक तो ये डिलीवर्ड एट पोर्ट होनी थी ये सारी प्रोडक्ट. अब ये डिलीवर्ड एट पोर्ट तो नहीं हुई ना, अगर आप साइकोलॉजिकल मतलब अगर आप पेपर वाइज देखें तो ये तो डिलीवर्ड एट पोर्ट नहीं हुई, ये डिलीवर्ड एट प्लेस हो गई है. ये समुंदर में कहीं पर डिलीवर हो रही है लेकिन वो इनकोटर्म डिलीवर्ड एट पोर्ट है. अगर कोई छोटी कश्ती जाती है उसको पिक करती है और समुद्र में गर्क हो जाती है तो फिर ये इंश्योरेंस कौन क्लेम करेगा? तो ये फिर आपस में सप्लायर और कस्टमर के दरमियान निगोशिएशन होती है कि यार अब ये मसला. अब सूस कैनाल का जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर जो जो डीडीपी थी वो सारी डीडीपी खत्म हो गई. अब वो उन्होंने डीडीपी की जगह पे उसको एक्स वर्क्स पे और एफओसी पे करके ट्रांसफर करवाया कि नहीं यार इसको ट्रांसफर करना जरूरी है वरना पर डे इंश्योरेंस चार्ज हो रही है, पर डे जो है इस पे जो है ना एप्रिसिएशन कॉस्ट चार्ज हो रही है. जी मरिया सर, ये जो अभी आपने एग्जांपल दी कि जहाज जैसे फंस गया है और एक छोटा जहाज भेज दिया आपने बिकॉज़ आपको इमरजेंसी थी, तो सर वो चार्जेस कौन बेयर करता है? वो सेलर तो कहेगा मैं तो बेयर नहीं कर रहा, बायर आगे बायर को कहेगा आपको जल्दी आप खुद मंगवा लो. ओके, और अगर वही छोटा जहाज डूब गया तो भी तो वो तो बायर रिस्पांसिबल लेगा, बायर रिस्पांसिबल होगा. सही. हाँ, अब ये क्या, अब इसकी वाइस वर्सा इमरजेंसी भी हो सकती है. कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जब तक वो बायर की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा, बायर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल फूड भेजा है अगर कोई, तो अब वो सेलर को जल्दी होगी कि यार अगर इस, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान के पोर्ट पहुँच रही है ना, उसकी मिनिमम एक्सपायरी 30 डेज होनी चाहिए. 30 डेज से कम एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते. अब इस सिनेरियो में देखें तो अब सेलर को जल्दी होगी क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी दिन ब दिन कम हो रही होगी. सेलर कहेगा यार आप छोटे जहाज की पेमेंट लो, छोटे जहाज की इंश्योरेंस लो, लेकिन ये प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लो वरना तो ये आपके पास जब पहुंचेगी तो जीरो वैल्यू की होगी. क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप 29 दिन की एक्सपायरी का प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते, आपको पूरे 30 दिन एक्सपायरी होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट अनलोड होगी. तो अब इस केस पे सेलर को जल्दी होगी, सेलर बोलेगा कि यार आप मुझसे इंश्योरेंस का क्लेम ले लें, मुझसे आप जो ये सारी चीज़ें आप इनवॉइस में एडजस्ट कर लीजिएगा, आप काइंडली अभी किसी को अरेंज करा के इंश्योरेंस अरेंज करा के आप उसको अनलोड करवाएं. जी फराज साहब. सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी स्विस कैनाल का मसला हुआ तो आप कह रहे हैं कि उसमें सेलर जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन बायर तो सिर्फ उसी सूरत में लेगा ना कि अगर उसने डीडीपी कॉस्ट का होगा, या सेलर ने अगर डीडीपी अगर नहीं है, अगर सेलर ने डीडीपी के बेसिस के ऊपर डिलीवर किया होगा तभी, तब तो सेलर की जिम्मेदारी होगी ना. डीएपी पे भी सेलर की जिम्मेदारी होगी, सीएफआर पे भी सेलर की जिम्मेदारी होगी. ओके ठीक है. सीएफआर का मतलब भी कॉस्ट एंड फ्रेट होता है, ठीक है, तो इस पे भी सेलर की जिम्मेदारी होगी. जी शाहरुख सुल्तान साहब. जी शाहरुख सुल्तान साहब, आपने हैंड रेज किया. जी साहब साहब बताइए. साहब कुछ पूछना है? जी सर, ये आपने एक बात बताई कि पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स काम नहीं करता. नहीं, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक अगर आप कोई एक्सपर्ट लिखवाना चाहें तो वो नहीं लिख सकते. उसमें भी एक मसला था, लोग एक्सपर्ट लिखवाते थे और वो प्रोडक्ट पिक ही नहीं करवाते थे, तो और फिर रेमिटेंस चली जाती थी. एक वक्त के बाद रेमिटेंस ट्रांसफर हो जाती थी कि अब वो शिपमेंट समुंदर में और वो शिपमेंट कभी आती नहीं थी. ये सारा जो ब्लैक मनी या हॉट मनी का जो ट्रांसफर है ना, इसको रोकने के लिए कहा गया कि आप एक्सपर्ट उठा ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सपर्ट में सेलर की जिम्मेदारी
प्रोडक्ट बना के दरवाजे के बाहर रख के खत्म हो जाती है। हमारे पाकिस्तानी चैंपियन थे, वो वहाँ जाते थे, प्रोडक्ट को खुद अपने हाथों से जाया कर देते थे और इंश्योरेंस क्लेम ले देते थे। या प्रोडक्ट कभी पाकिस्तान आती ही नहीं थी, मतलब रेमिटेंस जा रही है 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की, प्रोडक्ट 90 करोड़ की भी नहीं आ रही। तो ऐसा भी तो होता है ना सर कि जो वेयर हाउसेज होते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। लेट्स से अगर मैंने कोई फैसिलिटी बनाई है स्पेशली सिर्फ एक कस्टमर के लिए, तो उसकी वेयर हाउस फैसिलिटी भी मैंने कस्टमर को ही दे दी। बेसिकली उस वेयर हाउस में इनफ्लो आउटफ्लो कस्टमर को विजिबल होता है, उसमें जो चीजें एंटर हो रही हैं, जो एग्जिट हो रही हैं, जो इन्वेंटरी स्टॉक मैनेजमेंट सब उसको पता होता है। बिल्कुल, तो इसमें इशू क्या है? एक्सपेक्स ले ले, वो पूरा का पूरा वेयर हाउस तुम्हारा है, लो अपनी मर्जी से लेके जाओ, व्हाट्स द मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी गुड कंसर्न कि भाई मैंने एक वेयर हाउस खरीद के रख दिया कि यहां तक पहुंचा दूंगा, ये एक्सपेक्स होगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी। वेरी गुड, लेकिन मसला यहीं से शुरू होता है कि जब आप एक्सपेक्स लिख दिया ना आपने, आप कितनी अच्छे सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप क्यों ना हो, लीगली आपकी आपका जो सारा ज्यूरिसडिक्शन है ना वो आपकी फैक्ट्री के बाहर तक है। अब उस वेयर हाउस तक पहुंचाने के दौरान भी अगर ये प्रोडक्ट जाया हो गई ना, तो वो बायर जिम्मेदार, सप्लायर कितना भी अच्छा हो सप्लायर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि उसने एक्सपेक्स लिख दिया। तो इसीलिए सप्लायर को थोड़ा बाउंड करने के लिए और सप्लायर के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन में ये या पाकिस्तान के लॉ के अंदर ये है, बैंकिंग लॉ के अंदर, कि आप एक्सपेक्स पर प्रोडक्ट नहीं उठा सकते। आपको अगर मिनिमम भी उठाने हैं तो फ्री कैरियर पे उठा लें, पहले कैरियर पे उठा लें, FOB उठा लें, CFR उठा लें, DDP उठा लें, DAP उठा लें, आप एक्सपेक्स नहीं उठा सकते। जी शाहरुख सुल्तान साहब, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे। जी सर, वो माइक का मसला हो गया। सर मैं, जैसे आपने अभी कहा कि फूड ग्रेड आइटम्स में एक्सपायरी डेट जो है वो 30 डेज की होनी चाहिए, तो वो हम इम्पोर्ट करवा सकते हैं। सर अगर उसकी ज़रूरत इतनी है कि वो 29 डेज में हमारे पास पहुंची है, तो तब भी हम उसको नहीं करवा सकते? नहीं, अगर पाकिस्तान के जो पोर्ट लॉ है ना उसके मुताबिक अगर किसी चीज़ की एक्सपायरी 30 दिन से कम है, आप उसको अनलोड नहीं करवा सकते, फिर आपको उसको समुंदर में ज़ाया करनी पड़ेगी। जब प्रोडक्ट पोर्ट पहुँची है ना, तो उसकी मिनिमम एक्सपायरी 30+ डेज होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक अगर कोई बैंकिंग हॉलीडे आ गया, कोई छुट्टी आ गई, कोई अनफोर्सिन इवेंट आ गया और आपने उसको क्लेम नहीं करवाया, तो फिर वो पोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है ना, और पोर्ट के लिए वो चीज़ बेकार है कि जो एक्सपायर हो गई। ठीक है ना, आप ये समझिएगा, पोर्ट की तरफ से समझिएगा। पोर्ट कहता है कि मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट आई और किसी ने क्लेम नहीं की, तो मैं उसका क्या करता हूँ, फिर मैं उसको नीलाम करता हूँ 6 महीने के बाद। तो पोर्ट कहता है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसी आ गई कि जिसकी एक्सपायरी होनी थी और कस्टमर ने अनलोड करवाई, एक्सपायर हो गई, कस्टमर ने डिक्लेयर नहीं की, तो वो पोर्ट की जिम्मेदारी हो गई। अब पोर्ट को उसको डिस्पोज करने के चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि पोर्ट जो है ना वो बड़ी हैवीली अबाइड करता है सारे लॉज को, फूड लॉज हो, कस्टम लॉज हो। तो अब पोर्ट कहता है कि अगर 30 दिन से कम एक्सपायरी की प्रोडक्ट है और कस्टमर ने डिक्लेयर नहीं किया और खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो गई, तो पोर्ट को बिला वजह उसके डिस्पोजल के चार्जेस देने पड़ेंगे। पोर्ट ने 2003 में या 2001 में ऐसा एक बहुत बड़ा केस निपटाया था कि जिसके अंदर कोई फूड ग्रेड ऑयल आया था जिसको क्लेम नहीं किया गया और वो डिस्पोज करना पड़ा, वो डिस्पोज पे समंदर में हुआ था जाके, जिसकी कोई 1.3 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी जो है ना उस वक्त कॉस्ट आई थी पोर्ट को। तो पोर्ट ने उसके बाद अपना ये लॉ चेंज किया और कहा कि 30 दिन के सम की एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट आप मंगवा ही नहीं सकते। ऑल्दो आप कस्टमर हैं, आप अंडरटेकिंग देते हैं उनको रिटर्न के, भाई अगर ये एक दिन एक्सपायरी बचा होगा तो मैं उसको क्लेम कराऊंगा, स्टिल ये लॉ किसी के लिए अब चेंज नहीं होता। और हमें इसकी वजह से 2020 में तकरीबन 3.5-4 करोड़ डॉलर का 3.5 कंटेनर और ये तकरीबन 35 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते थे, इसका नुकसान उठाना पड़ा। हमें अपने फ्राइज समुंदर में ज़ाया करने पड़े क्योंकि कोविड की वजह से वो डिसरप्शन हुई, डिसरप्शन होने की वजह से वो लेट पहुँचे, वहाँ से लेट निकले, यहाँ पे लेट पहुँचे, और फिर उनको हमें समुंदर में ही ज़ाया करना पड़ा। हम उनको पोर्ट तक नहीं ला सकते, अगर पोर्ट पर ले आते तो फिर हमें हैंडलिंग चार्जेस भी देने होते, अनलोडिंग चार्जेस भी देने होते और फिर उसके बाद उनको ज़ाया करना पड़ता। जी मोहसिन इकबाल साहब, सर वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने बताया कि हम मतलब भाई हम सप्लायर के साथ एक्स वर्क पे काम नहीं कर सकता, तो एक और चीज़ है कि हम लिखवा कुछ और देते हैं और हम निगोशिएट करके उसी पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली ना। तो फॉर से अगर ड्यूरिंग ट्रैवल यानी उसके वेयर हाउस से कोई नेचुरली अनफोर्सीन एक्ट हो जाता है और कोई शिपमेंट के साथ कोई इशू हो जाता है, तो फिर वो क्लेम क्या निगोशिएट जो किया है उसने उसी टर्म पे करेगा? वो कहेगा मैंने तो एक्सपर्ट ही दिया है, क्योंकि आप फिर बाद में अंडरटेकिंग है, बाद में जो रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न होगा उसकी बेसिस पे अगर सप्लायर जो बायर है
वो अगर मुकर जाए तो फिर ये क्या उसकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग उसी बेसिस पे होता है, और टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा ना फिर तो उसके सप्लायर। यस ओके, बायर बायर का आप कभी भी किसी बायर के साथ काम करेंगे ना, वो आपको लिख के नहीं देगा कि चलें आप एक्सवर्क्स करें और आप जो है वो लिखवा मुझसे कुछ और लें। वो पता है क्या करेगा, वो आपको अपनी इनवॉइस की ना सॉफ्ट कॉपी भेज देगा, बोलेगा आप खुद ही इस पे चेंज कर लो, मेरे पास से जो हार्ड इनवॉइस गई है उस पे मैं कभी चेंज करके नहीं दूंगा। अगर गॉड फॉरबिड, क्योंकि एक्सवर्क्स पे तो सेलर की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, एक्सवर्क्स पे तो ये कि प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री के बाहर रही और जिम्मेदारी खत्म, अब सारी जिम्मेदारी बायर की। अगर बायर इसके बाद भी क्लेम करता है ना, तो वो लीगली क्लेम नहीं कर सकता लीगली, क्योंकि उसने एक्सवर्क्स पे प्रोडक्ट उठाई है और ये आपस के अंडरस्टैंडिंग से उस पर नाम चेंज कराया, उस पर FCA लिखवाया है, उस पर FOB लिखवाया है, जो भी लिखवाया है, लेकिन लीगली सारी जिम्मेदारी बायर की है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे प्रोडक्ट बनी है और जहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूम होना है, तो पूरा रास्ते की जिम्मेदारी बायर की है। ठीक है सर, थैंक यू जी। नहीं हुसैन साहब, सर ये मोहसिन वाली बात पे कि आप कह रहे हैं कि लिखवाते नहीं है, जनरली जो है वो हम ईमेल पे इसको रिक्वेस्ट करते हैं तभी जाके जो है वो फॉरेनर्स को चेंज करते हैं, और वो आपको एक्सवर्क्स को जो है वो FCA कर देते हैं। और वो जो साथ वाली बात थी कि जब आप ईमेल कर देते हैं ना, आप ईमेल कर देते हैं ना, इसका मतलब ये कि आपने इनकोटर्म के लॉ के मुताबिक ना आपने इनकोटर्म को फ्लेक्सीवाइज किया। अब वो इनकोटर्म आप इस इनकोटर्म को ICC में ले जाके क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है सर। और दूसरा जो साथ कह रहे थे ना कि वो वेयर हाउस में रखने वाली बात, तो उसको हम यही करते हैं कि हम उसे FCA करवाते हैं, उसे जो है वो किसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे लेते हैं और फिर आप अपने वेयर हाउस पे स्टोर करते हो, उसकी लायबिलिटी एक्सपर्ट के बाद मतलब अपने जो वेयर हाउस है ना और जो स्टोरेज जो अपनी लोकेशन है साइट प्रोडक्शन साइट उसके बाद खत्म हो जाती है, आप क्लेम नहीं कर सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते बेसिकली। एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जब तक पहले कैरियर पे नहीं चढ़ता ना तब तक की जिम्मेदारी मेरी है, जैसे पहले कैरियर पे चढ़ जाएगा जिम्मेदारी खत्म। तो सर उस केस में हम एक पार्टी हायर करते हैं जो कि जो है ना उसकी साइट पे जाके उसकी जो है वो इंस्पेक्शन करती है, उसको ओके करती है, उसके बाद जो है ना हम वो वहां से ट्रांजिट करते हैं ई-कॉमर्स जो है वो वेयर हाउस। ई-कॉमर्स के अंदर एक्सपर्ट्स बहुत यूज होता है क्योंकि ई-कॉमर्स की जहाँ ट्रांजेक्शन जनरली बहुत छोटी होती है और सप्लायर जो है वो एक वक्त में मल्टीपल लोगों के साथ डील कर रहा होता है, तो वो अक्सर एक्सपर्ट्स सपोर्ट करता है आपको, और फिर आप जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हायर करते हैं उसका काम होता है कि वो पहले जाता है इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट करके आपको तस्वीरें भेजता है, आप ओके करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को उठाता है और फिर आपके पोर्ट के लिए या चाइना से क्लियर कराने के लिए काम करता है। तो ऐसे सिनेरियोस के अंदर एक्सवर्क्स जो है ना हमेशा जो है ना नया सप्लायर आपको बोलेगा कि मैंने एक्सवर्क्स दूंगा। इसी तरीके से आप अगर नए बायर हो गए ना तो आप एक्सवर्क्स उठा रहे हो गए क्योंकि आप डर रहे हो गए कि अगर प्रोडक्ट, और आप देखें ना कितना रिस्क है कि अगर आपने प्रोडक्ट DDP पे उठाई है तो प्रोडक्ट पाकिस्तान आने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में प्रोडक्ट में से निकला क्या है। आपने तो सारी जिम्मेदारी सेलर को दे दी, सेलर ने पाकिस्तान पहुंचा दी, जैसे ही पाकिस्तान के पोर्ट पर पहुंची डॉक्यूमेंट पहुंच गया, अब आप लायबल हो गए उसको पेमेंट करने के लिए। अब उसके अंदर से कुछ भी निकला, आपने कुछ मंगवाया था निकला कुछ, तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते, और क्लेम कर भी दोगे तो उसको वापस नहीं भेज सकते। पाकिस्तान के लॉ के अंदर एक और मसला ये कि वंस एन आइटम इज इम्पोर्टेड एंड इट इज ओपन फॉर यूज इट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड बैक। आप यूज्ड आइटम को एक्सपोर्टेड बैक नहीं कर सकते, आपको या तो उसको न्यू बना के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या आप उसको जो है अपने पास ही रखें, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे साथ ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमारे जो MDS बैग के चार्जेस होते हैं ना, बेसिकली जो आप डिलीवरी के सिस्टम में बैग्स देखते हैं ना, ये हमारे हीटेड बैग्स होते हैं। अच्छा ये हीटेड कैसे होते हैं, इनकी एक प्लेट होती है जो कि आप एक जगह जाकर रखते हैं तो ये 30 मिनट के लिए आपको एक वार्म एनवायरमेंट देती है जिससे प्रोडक्ट गर्म रहता है। अब ये जो प्लेट्स हैं ना ये फॉल्टी हो गई हैं, और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, कोई 1 करोड़ रुपए की प्लेट्स हैं जो फॉल्टी हैं। तो हमारा सप्लायर कहता है आप मुझे हमें USA वापस भेज दें, मैं चेक करूंगा मसला क्या है। हम पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक यूज आइटम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कभी जिंदगी में अगर कोविड खत्म होता है और वो पाकिस्तान आके चेक करता है तो ही हो सकता है, वरना ये 1 करोड़ की इन्वेंट्री हमारे लिए बेकार है। जी नहीं साहब, सर इस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम उसे जो है वो एक सर्विस ऑर्डर के थ्रू रिपेयर मेंटेनेंस का जो है वो सर्विस ऑर्डर देकर उससे जो है वो रिपेयर करवा सकते हैं। रिपेयर तो करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट बैक नहीं कर सकते, हमें तो क्लेम में नए चाहिए ना, हम तो एक्सपोर्ट बैक का ऑर्डर बना रहे हैं। सर वो इस तरह क्लेम होता तो है हमारे यहाँ के जो है वो जो आइटम्स होते हैं, अगर कोई पंप इस तरह का आया तो उसको हम जो है वो फिर एक जो है वो क्या कहते हैं नोट बना के हम जो है वो अप्रूवल लेते हैं ना। जी मैं बात करूँगा जो प्रोडक्ट यूज हुई, मतलब वो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना चले उसके बाद खराब हुआ, अब वो पाकिस्तान के लोग के मुताबिक यूज प्रोडक्ट में आ गए, और पाकिस्तान यूज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान में यूज प्रोडक्ट सिर्फ इंपोर्ट किए जा रहे थे, और वो इंपोर्ट भी एज स्क्रैप वैल्यू आते हैं,
ठीक है, तो आपको एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा, पहले एक्सपोर्टर के सारे जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी, फिर उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। और जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 करोड़ के शिपमेंट में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पाकिस्तान से बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, तो उसकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस की वजह से हम वेट कर रहे हैं आपके पास। अब खत्म होगा कोविड, वो आएगा खुद ही रिपेयर कर सकता है, तो यहीं रिपेयर करवा सकते हैं, हम बाहर नहीं भेज सकते। सर उसके कोई क्लेम वगैरह नहीं है उसमें? कह रहा है मैं लायबल हूँ, मैं बैठा हूँ, कोविड खत्म होने तो मैं बंदा भेज दूंगा। वो तो कह रहे हैं पहले मैं चेक करूंगा ये मसला आया कैसे, आने आ ही नहीं सकता ये मसला। जी मोहसिन साहब। सर मैं कह रहा था कि यूज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की के लिए जो जो हमें अभी अलाउ नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बेसिकली? कॉम्प्लिकेशंस ये है कि ड्यूटीज टैक्सेस एंड प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट पाकिस्तानी ना बहुत चैंपियन है, पाकिस्तानी क्या करते हैं नया प्रोडक्ट उठाते हैं उसमें बटन दौड़ देते हैं और कहते हैं कि यार ये यूज हो गया और अब आप इसको एक्सपोर्ट करने दें, हमें इजाज़त दें। इस तरह पाकिस्तान से ना जीन्स एक्सपोर्ट होती थी 1983 से लेके 2007-2008 तक ना जीन्स ऐसे ही एक्सपोर्ट होती थी। तो 200 रुपये की 250 रुपये की जीन्स है, आप उसको एक्सपोर्ट करते थे और फिर वो फिर वहाँ पे आपका काउंटर पार्ट बैठा है वो इसमें बटन लगा के उसको फुल वैल्यू बना देता था, तो बटन लगा के फिर वो उसको 300 रुपये की चीज़ को $30 की बेचता था। पाकिस्तान में आते पैसे कितने थे? 300 रुपये के हिसाब से, बाकी सारा पैसा बाहर ही घूमता रहता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार अब इसको जो है ना एक्सपोर्ट को बंद करो यूज प्रोडक्ट की, वरना पाकिस्तानी बहुत चैंपियन थे इस मामले में और बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ना करोड़ों कमाता था 1 महीने के अंदर ना, इस तरीके से वो एक बड़ी शिपमेंट बनाते थे उसमें दो कार्टन ओरिजिनल के होते थे, 60 कार्टन कहते थे कि यार ये डैमेज प्रोडक्ट है या यूज प्रोडक्ट है, किसी का बटन तोड़ दिया, किसी का लेबल फाड़ दिया, और फिर वहाँ जब ये पहुँचती थी तो वो एयर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है ना उसमें पहुँचाई जाती थी कि यार ये तो यूज प्रोडक्ट आई है, तो वहाँ भी ड्यूटी कम देनी पड़ती थी, यहाँ भी ड्यूटी कम देनी पड़ती थी, फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो है ना इसको फुल वैल्यू बना के इसको कर दिया जाता था। ये बदमाश कंपनी देखेंगे ना तो आपको सब स्कीम समझ में आएगा। सर पाकिस्तानी तो फिर 2 नंबर तरीकों में आगे हैं। नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा चैंपियन इंडियंस हैं इसके अंदर, खासकर तो लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती है ना उनकी वैल्यू आप सोच नहीं सकते। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द अगर कहीं अंदरून सिंध वगैरह आते तो हाथ का बना हुआ पंखा होता है ना, ये कितने का है? 50 रुपए का, 100 रुपए का, ये $30 का बिकता है। बस यही फिर सर यही शुरू कर देते हैं सर। अब यही है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप। जी शाहरुख साहब। सर आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे हमें जो है ड्यूटी ज्यादा पे करनी पड़ती है, तभी रिसेंटली एक न्यूज़ जो आपने भी देखी होगी कि सैमसंग जो है वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर लेके आ रहा है, तो सर यहाँ पे फिर वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? जाहिर सी बात है सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो बनाएंगे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाएंगे। और ये भी यार एक गिमिक है, एक मार्केटिंग स्टंट है शाहरुख साहब। होगा ये कि सैमसंग जो है ना वो पूरा जो फोन है ना वो टुकड़ों में भेजेगा, यहाँ पे सिर्फ उसका असेंबलिंग प्लांट होगा। आपको लगता है कि सैमसंग इतने बुरे दिन आ गए कि वो पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त देते? एक असेंबलिंग प्लांट बनेगा और इससे सैमसंग का अपना फायदा है। सैमसंग जो है ना वो अब चाइना से शिफ्ट होना चाहता है और दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ढूंढ रहा है। इंडिया में उसने 6 प्लांट ऑलरेडी लगा दिए हैं ऐसे, और अब वो ये चाहता है कि सिर्फ असेंबलिंग हो, मैं अपनी जो सारी पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। ये बेसिकली ऑन शोरिंग और ऑफ शोरिंग के कॉन्सेप्ट का एक मर्जर स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि होता ये है कि सैमसंग के पास जितने भी सैमसंग के फ़ोन में जितनी प्रोडक्ट लगती है ना, सैमसंग उसमें से एक भी चीज़ खुद नहीं बनाता सिवाय LCD पैनल के, बाकी सब चीज़ें वो दूसरी कंपनी से ले रहा है। तो अब वो दूसरी कंपनी से अब वो एक कोरिया में बन रही है, एक जापान में बन रही है, एक मेक्सिको में बन रही है, वो सारी प्रोडक्ट को पहले चाइना लेके जाता है, चाइना में असेंबल करता है, फिर असेंबल यूनिट जो है ना पूरी दुनिया में भेजता है। तो ये इसको बहुत कॉस्टली अफेयर पड़ रहा है। ये कह रहा है छोटे छोटे असेंबली प्लांट बना दूँ, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बना ले, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान में सैमसंग की ठीक ठाक खपत है, और अगर असेंबली प्लांट पाकिस्तान में लग गया तो पाकिस्तान के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का स्ट्रक्चर, क्योंकि फोन पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का स्ट्रक्चर जिस तरह क्रेजी हुआ है ना, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज नॉन कॉम्पिटेटिव हो गई हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में सेल ही नहीं। वन प्लस इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि वन प्लस पाकिस्तान में ऑफिशियली सेल ही नहीं करता अपने आप को। अभी उसने जाकर टेलीमार्ट के साथ एक बॉन्ड साइन किया है, तो टेलीमार्ट के जरिए वो पाकिस्तान में बेच रहा है। क्यों मोबाइल आउटलो हो गई इसके अंदर बहुत सारी चाइनीज कंपनीज आउटलॉ हो गई पाकिस्तान के ड्यूटीज एंड टैक्सेस के स्ट्रक्चर की वजह से। तो अब कंपनीज जो है ना पाकिस्तान के ना असेंबलिंग प्लांट लगाएंगी और असेंबलिंग प्लांट के जरिए वो बेचेंगी, और दूसरा वो फायदा ये उठाएंगी कि अब वो चूंकि आपको तो ये नजर आ रहा होगा कि भाई सैमसंग जो है पाकिस्तान में बन रहा है, लेकिन उस पर कभी भी मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ आएगा, उस पर सिर्फ लिखा हुआ आएगा असेंबल्ड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना या मेड इन कोरिया ही होगा वो।
ये एक मार्केटिंग स्टंट एक तरीके का, एक जमाने में किया ने भी ये किया था। किया पाकिस्तान में अभी ऑफिशियल लॉन्च हुई है, इससे बहुत साल पहले से पाकिस्तान में वो असेंबल्ड गाड़ियां लेके आ रही थी। हीनो पार्क पाकिस्तान में तबाह सिर्फ इसलिए हुआ ड्यूरीज एंड टैक्सेस के स्ट्रक्चर की वजह से, वरना हीनो वॉज वर्किंग वेरी फाइन। हीनो पाकिस्तान हीनो जापान को जो है ना गाड़ियां बना के असेंबल करके भेजता था, लेकिन ये ड्यूरीज एंड टैक्सेस के स्ट्रक्चर में वो गाड़ी इम्पोर्ट होने के बाद वहां बनने से भी महंगी पड़ रही थी। अब इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी शामिल नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं, तो इसलिए हीनो को अपना प्रोडक्शन फोर्सफुली बंद करना पड़ा। पाकिस्तान में सिर्फ जो कामयाब है वो वही है कि जो 100% मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहा, मतलब कील टायर भी यहाँ बना रहा है ना, वही कामयाब। आपको क्या लगता है, ये आप जो किया के साथ देख रहे हो कि किया की इतनी गाड़ियां आ रही हैं और किया इतना सहमत, आप एक साल के बाद किया की तबाही, आप और मैं अगर रहे दुनिया में तो आप देखे किया तबाह कितनी बुरी तरीके से, किया के किसी ओनर से जाकर पूछो कि यार ये गाड़ी पड़ती कितने की, वो सर पकड़ लेता कहते। एक साइड का शीशा जो है ना किया का, साइड मिरर 35,000 रुपीज का है, एक पेड़ 70,000 रुपीज का है, पूरी मोटर बाइक आ जाती है उसके अंदर दो शीशों में। तो ये सब तो आसानी पैदा की है गाड़ी की प्राइस को कम करने के लिए, असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में लगा दो सबको, तो गाड़ी की प्राइस नीचे आ जाए, थोड़ी सी नीचे आ जाए, बाकी तो आप स्पेयर्स में थोड़ी बचा सकते हो। स्पेयर्स में तो यामाहा YBR, अगर आप लोगों को बताओ YBR के स्पेयर जो है ना मैरान गाड़ी से महंगे पड़ते हैं। YBR का ब्रेक पैड मैरान से महंगा है, ओरिजिनल फ्रंट और बैक। YBR का चेन स्प्रॉकेट तकरीबन 3,500-4,000 रुपये का है, जो कि नॉर्मल बाइक का 2,100-2,200 रुपये का मिल जाता है, हालांकि दोनों 2,200 रुपये का सर कल ही लगवाया। YBR में या नॉर्मल में? सर 1-5 में लगवाया, नॉर्मल 1-5 में ना। YBR का 4,500 रुपये का जी सर नॉर्मल। तो फिर नईम साहब जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? कह रहा था किया में तो मैं सुना है एक एक फॉर्च्यूनर जो है वो स्पोर्टेज पे जो है वो तकरीबन 15 लाख 16 लाख बच रहे हैं कंपनी को। बचेंगे ना सर, आपने एमनेस्टी के अंदर लेके आए हो ना, आप एमनेस्टी के अंदर प्रोडक्ट लेके आ गए, मतलब ये तो आजादी के टाइम की तरह हुआ है कि 1947 में जब पाकिस्तान लोग आ रहे थे ना, तो उनसे ये नहीं पूछा जाता आपके पास है क्या क्या। अब आप हर बंदे से बोल तो कहता है मैं वहां छोड़ के आया था, बस जितनी जमीन तुमने वहां छोड़ दी इतनी तो पूरा इंडिया नहीं है। 21-22 लाख आदमी कहते हैं कि हम 10-10 एकड़ छोड़ के आ गए थे, सबको मिलाओ तो पूरा इंडिया बन जाता है। तो ये एमनेस्टी थी एक तरीके की, ये एमनेस्टी में किया को मिला कि 2 साल तक आपसे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं ली जाएगी, आप मंगवाएं और अपना असेंबली 2 साल के बाद जब चूड़िया कस के FBR वाले बैठेंगे ना आप ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो यही गाड़ी आपको 1 करोड़ रुपए की भी नहीं मिलेगी। जी अज़द अहमद साहब एंड मदिया कसबाती साहिबा बताइए। सर जिस तरह अभी ये सैमसंग वाली जो बात थी, तो सर अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी ड्यूटी और टैक्स स्ट्रक्चर का, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह, जैसे अभी आप किया का भी बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक और आपने हीनो पार्क की एग्जाम्पल दी, एक चीज ये बता दें कि ये कैसे मुश्किल हो रही है एक चीज। दूसरी चीज सर ये कि जो जैसे ये सैमसंग की असेंबलिंग अगर यहाँ होगी तो इससे सैमसंग को क्या फायदा होगा और वो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, जब सिर्फ असेंबलिंग ही यहाँ हो रही है। तो लाइक जैसे इसने लकी ने जो ये किया है, तो फिर इनको क्या फायदा होगा जब सिर्फ असेंबलिंग ही यहाँ हो रही है। वेरी गुड क्वेश्चन मरिया, मैं आपको इसका जो जवाब दूंगा ना वो प्लीज कहीं कोट नहीं कीजिएगा, मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ होता क्या है। अजहर अहमद साहब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बस सर इसी से रिलेटेड था वो 3S डीलरशिप का जो था ना, जब ये पार्ट्स की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3 से 4 साल बाद जो मैं इसको दूसरी तरीके से सोच रहा था, आपने एक नया मुझे इसमें व्यू दिया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं थी, न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही। मैं ये सोच रहा हूँ 3S डीलरशिप जब ये ला रहा है किया, तो मतलब उसके पार्ट्स 2-3 साल में अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं खुद पिकांडो भी लेने का सोच रहा था। नहीं अवेलेबल तो हो जाएंगे, लेकिन उस प्राइस पे होंगे जो आप खरीद नहीं सकेंगे। अच्छा, अवेलेबल तो अभी भी है, आप जाके बोले मुझे हेडलाइट इंडिकेटर के LED लाइट चाहिए तो भी मिल जाएगी, मना वो आपको किसी चीज का नहीं कर रहा। लेकिन जो प्राइस है ना, क्योंकि देखें एमनेस्टी मिली सिर्फ गाड़ी के पार्ट्स पे, मीन अगर आप असेंबली के लिए जो पार्ट्स लेके आ रहे हैं उस पे एमनेस्टी, उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको, आपके स्पेयर पे 100% ड्यूटी एंड टैक्सेस देना। तो जब स्पेयर मंगाते हैं तो गाड़ी, अब आप मतलब जो आइडियल केस सिनेरियो होता है ना वो ये होता है कि गाड़ी और गाड़ी के स्पेयर, मतलब गाड़ी मंगवाएं या गाड़ी को तोड़ के स्पेयर मंगवाएं, सेम प्राइस होनी चाहिए। लेकिन अभी किया के साथ ये होता है कि अगर गाड़ी 50 लाख की है ना तो स्पेयर 5 करोड़ के, मतलब स्पेयर मंगवा के गाड़ी जमा कर रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए की पड़ रही है। सर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इसको जरा टोयोटा से कंपेयर करें, टोयोटा क्या कर रहा है, लोकल बना रहा है। टोयोटा बहुत आसानी कर रहा है, टोयोटा मैक्सिमम पार्ट्स लोकल बना रहा है, मैक्सिमम पार्ट्स लोकल बना रहा है या रीयूज कर रहा है पार्ट्स को। आपको पुरानी गाड़ी आई उसके कुछ पार्ट्स आ गए, उसको आपने निकाला, क्योंकि आपके पास पूरा प्लांट है ना, टोयोटा असेंबली प्लांट नहीं चला रहा, याद रखिएगा टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहा है।
प्रोडक्शन प्लांट चला रहा है। असेंबली प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जमीन आसमान का फर्क होता है। असेंबली प्लांट जो होता है ना उसके पास ताकत होती है असेंबल करने की, बनाने की ताकत नहीं होती। टोयोटा अगर यहाँ चाहे ना तो पूरा इंजन में डेवलप कर सकता है, ऑल्दो वो नहीं करता, पूरा इंजन पाकिस्तान के अंदर लोकल लेथ मशीन पर डेवलप कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है टोयोटा के पास। तो टोयोटा इसलिए पावरफुल है और इसलिए मार्केट को लीड कर रहा है, इसलिए उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखें फॉर्च्यूनर की प्राइस वो डाउन नहीं कर रहा, यारिस की प्राइस 25-37 लाख रुपए से नीचे, हालांकि एल्सविन इससे बहुत अच्छी गाड़ी है 25 लाख रुपए के लिए, वो टोयोटा डाउन नहीं कर रहा। उसको पता है कि ये एमनेस्टी में आई है, अब ये 3-4 साल की झगड़ा है, इसके बाद देखेंगे कि इनका क्या होता है। इसके बाद अगर ये एमनेस्टी खत्म होगी, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यही सोच के लाई कि एमनेस्टी दो, लोग आए, गाड़ियां बने, डेवलप हो, जब कमाने लगेंगे तो टैक्स देने में तकलीफ नहीं होगी। आपकी कंपनी अगर 10 करोड़ रुपए कमा रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1 करोड़ आपसे टैक्स दे रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर कर रहा होगा, क्योंकि कंज्यूमर ने तो 40-50-60 लाख रुपए की गाड़ी ले ली है। अब अगर वो किसी को बेचेगा अभी तो वो भी तो गाड़ी खरीदेगा ही ना, ऐसा जापान की तरह तो है नहीं गाड़ी का टाइम खत्म होने के बाद रोड पे खड़ी कर दो आप। जी नहीं सब बताइए सर। इसमें ये था कि अब जो अजर वाली बात है उसपे बात ये है कि हम अगर जो है वो किया की बात करें तो किया भी जो है वो उसे जो है वो असेंबली के लिए मंगवा ले, मतलब वो स्पेयर पार्ट्स क्यों डिनोट करेगा उसको, वो असेंबली प्लांट उसने लगाया है, असेंबली प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने की तो इजाजत ही नहीं है पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं कि जी बताइए क्या कहना। मैं कह रहा हूं सर कि स्पेयर पार्ट्स को जो है वो स्पेयर पार्ट्स डिक्लेयर ही ना करे। क्या करेगा डिक्लेयर, वो असेंबली के लिए कर दे। वो असेंबली की असेंबली के लिए डिक्लेयर करोगे ना तो गाड़ियां गिनवानी पड़ती हैं, 100 गाड़ियों का सामान मंगवाया, साल के एंड में 100 गाड़ियां बनी ना बनी गिनवानी पड़ती हैं, वरना तो इससे अगर ऐसा होता ना तो इससे सबसे ज्यादा फायदा सुजुकी उठा लेता। सुजुकी मैरान आपको इस वक्त 2 लाख रुपए की मिलती है अगर ऐसा हो सकता तो। आप स्पेयर्स को स्पेयर डिक्लेयर करते हैं, गाड़ियों को गाड़ियां डिक्लेयर करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नैप के जरिए एक ऑडिट फर्म बिठाती है जो कि साल के एंड में वेरीफाई करती है कि कितने पार्ट्स आए और कितनी गाड़ियां बनी। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 1000 गाड़ियां बनाऊंगा तो 1000 गाड़ियों के पार्ट मंगवाए और 1000 गाड़ियां आपने बनाई, अब वो 1000 से 990 हो सकती है, 1000 से 100 नहीं हो सकती। 10 का आप कहते हैं कि यार ये इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है मेरी, बन गई है, चली गई है, डीलरशिप पे है, इधर है उधर है। 10-15-20 गाड़ियों से ज्यादा बड़ी गेमिंग नहीं कर सकते आप, ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहीं काम करे ना करे इधर बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। हाँ मदिया अब आपका जवाब देता हूँ। देखिए बड़े ग्रुप्स जो होते हैं ना, बहुत बड़े जाइंट्स ग्रुप्स जो होते हैं, इनके पास होता है एक अमाउंट जिसको कहते हैं टैक्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, मेरी कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी है वॉल्यूम वाइज, अगर हम देखें ना दूसरी कंपनी से बताए वॉल्यूम वाइज, लेकिन हमारा हर महीने का ना कोई 17-18 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। अब टैक्स जो है ना वो सबसे ज्यादा तकलीफदेह अमल होता है जब उसको पे करना होता है, क्योंकि कस्टमर से तो आपने ले लिया, आपके अकाउंट में वो आ गया, अब आपको हर महीने के एंड में उसको जमा कराना है, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होना है टैक्स के मामले में, ठीक है। तो बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो रास्ते ढूंढते हैं टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। उसमें से सबसे आसान रास्ता है हॉस्पिटल, आपका जितना टैक्स का पैसा बन रहा है आप सारा बता दें, भाई मैंने वेलफेयर एंड फंड में डाल दिया, ये वेलफेयर एंड फंड की ये रसीदें, ये मेरा हॉस्पिटल है, ये चैरिटेबल है, 1 रुपया भी नहीं लेता, ठीक है, बच गया आपका सारा टैक्स। इसी तरीके से जब आप बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं ना, तो आपको 2 तरीके के टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक होता है आपका इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस जो आप इंपोर्ट करते वक्त दे रहे होते हैं, और एक होता है आपकी प्रोडक्शन के बाद टैक्स, जैसे लकी टेक्सटाइल है या लकी सीमेंट है या लकी ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल डॉलमेन लकी का जो मॉल है, ये 2 तरीके से टैक्स दे रहा होगा। एक टैक्स दे रहा होगा ये इम्पोर्ट करते वक्त, और एक टैक्स दे रहा होगा जब कस्टमर से जो चीजें ले लेता है उसका जो सेल टैक्स बनता है वो। अब इन दोनों का डिफरेंस बहुत ह्यूज हो जाता है। आप सपोज 100 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं और उसको उसके अंदर वैल्यूएशन करके उसको 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ की चीज बना के देते हैं, तो 100 करोड़ पे जो आपने टैक्स लिया वो आपका बना तकरीबन 17 करोड़ रुपए, और आपका पेएबल टैक्स बन गया 34-38 करोड़ रुपए। मीन्स आपको 17 करोड़ क्लेमेबल, अभी भी आपको 17-18-20-25 करोड़ रुपए महीने का टैक्स देना है। इसको बचाने के लिए क्या करें, इसको बचाने के लिए आप बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग असेंबली प्लांट। असेंबली प्लांट बनाते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये टैक्स की इनकम थी, ये मैंने असेंबल की प्रोडक्ट असेंबल, क्योंकि असेंबल होने से पहले ना प्रोडक्ट होती है जीरो वैल्यू। जब स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट होंगे ना सैमसंग के, वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक वैल्यू के अंदर इंपोर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको असेंबल होना होगा, तो इस पर 0.1%, 0.2%, 0.8% ड्यूटी पड़ेगी। जब ये फोन असेंबल हो जाएगा इसी फोन पे ड्यूटी पड़ रही होगी 25,000, 20,000, 22,000, लेकिन अब वो ड्यूटी लकी को नहीं देनी, क्योंकि ड्यूटी किस पे पड़नी थी, इंपोर्टेड फोन पे, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान या असेंबल इन पाकिस्तान पे ड्यूटी नहीं देनी।
तो वो ड्यूटी एडजस्ट हो जाएगी उस ड्यूटी में से जो उसको पे करनी थी। तो वो 34-35-38 करोड़ रुपए की जो ड्यूटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसको पे करनी है, वो अब उसको पे नहीं करनी पड़ेगी, वो उसको एडजस्ट करवा लेगा इन सिनेरियो के अंदर। जी अजहर अहमद साहब। सर इस बात से तो नईम साहब का पॉइंट वैलिड हो गया कि जी 12 से 15 लाख गाड़ी पे बच रहा है, तो वहां से जो टैक्स की मामला बचाए और ये जो होलसेल जो आपने पूरा एक ट्रांजेक्शन घुमाई उससे वो जो आपने गवर्नमेंट को देना था वो कमाई आपकी हो गई। वेरी गुड, लेकिन बात है एमनेस्टी स्कीम की। किया को मिली है एमनेस्टी 4 साल की, 5 साल की मिली थी, 1 साल प्लांट बनाने में लग गया, 4 साल की एमनेस्टी मिली जो 1.5 साल रह गई। इस एमनेस्टी के दौरान किया जितनी गाड़ियां मैक्सिमम बेच सकते हैं ना बेचे, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। किया का प्लांट कोई 8-10 लाख रुपए का तो बना नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो कुछ ना कुछ नहीं तो तकरीबन 350-400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ प्लांट के ऊपर, लैंड उन्होंने अलग लीज करवाई थी, ठीक है। तो 600-700 करोड़ रुपए आपको 4 साल में निकालना है। क्यों? क्योंकि 5वें साल से तो आप लोकल कॉम्पिटिशन में आ जाओगे ना, 5वें साल से तो आपकी किया स्पोर्टेज भी 80 लाख रुपए की हो जाएगी, जैसे कि फॉर्चुनर है, फिर लोग आपकी किया स्पोर्टेज लेना बंद कर देंगे। क्योंकि अभी तो लोग स्पोर्टेज ले ही इसीलिए रहे हैं कि यार ये जो है ना ये अच्छी प्राइस में मिल रही है। तो सर ये तो 40-45 से उठते उठते गए, ये भी 60 तक। हाँ ये अभी आपको इंशाल्लाह 2023-24 में इसकी प्राइस आपको 80 लाख टच होती हुई नजर आएगी। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना ना, उन्होंने भी तो प्लांट लगाया है, उन्होंने भी तो लोग रखे हैं, उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर रहे हैं। अटेन करने के बाद जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी फिर ये जो महीने की 12 बिक्री है 3 साल की 12 बिक्री होंगी। लियाना के साथ हुआ था ये, लियाना जो है ना 2500 गाड़ी पर मंथ के हिसाब से प्रोडक्शन स्टार्ट की थी उन्होंने, 2500 गाड़ी पर मंथ, और 3 साल के पूरे सिनेरियो के अंदर 2500 गाड़ी नहीं बिकी उनकी, 3 साल में 2500 गाड़ी नहीं बिकी। तो आप सोचो उसकी क्या हालत हुई, उसके स्पेयर्स की, उसके जो उसके लिए प्रोडक्ट मंगवाई उसका क्या किया होगा, उसका कुछ भी नहीं किया, उसकी नई गाड़ी बना दी उन्होंने। जी नईम साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको गाड़ी लेनी है ये अगले 1.5-2 साल में ले ले, वरना इनकी प्राइसेस वापस जो है वो उस स्टेज पे चली जानी है। ये तो गेम है भाई, ये तो ये आप अगर आपको क्या लगता है आप किया की गाड़ी लेके बहुत खुश होंगे? सर पटक पटक के ना रोए ना, तो मैं अपना नाम बदल, मैंने ना वैगनर 10,55,000 रुपए की ली थी, उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कल्टस लो, उस वक्त कल्टस का क्रेज था, लोग गाड़ी खरीदते हैं यहाँ पे रीसेल वैल्यू से भाई। ये तो जिसने ले ली उसके लिए भी फायदा, जिसने नहीं ली उसके लिए भी फायदा, जो ले लेगा वो उसी 50 लाख के लिए 50 लाख के यूज बेच रहा होगा, और जिसने नहीं ली वो कहेगा ठीक है यार नहीं ली, 50 लाख की गाड़ी लेता 5-10 लाख रुपए स्पेयर्स के लग जाते मेरे। इंश्योरेंस तो आपको डेप्रिशिएटेड अमाउंट देता है ना, इंश्योरेंस तो बोल देता 3 साल होगा, 3 साल की डेप्रिशिएशन आप बढ़ दें। तो ये तो देखो ये तो यही तो मजा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ये तो गेम है, इसी से तो कमाते लोग रातों रात अमीर कैसे बनते हैं, ऐसे थोड़ी जो कोई जादू का चिराग आता है वो, ये ऐसी बिजनेस स्कीम्स होती है कि जिसको लोग अवेल करते हैं। अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो एमनेस्टी है उसको देखे ना कि ब्लैक हो या व्हाइट हो, आप जो पैसा है लाएं और कंस्ट्रक्शन करें। क्यों? क्योंकि एक दफा तो कंस्ट्रक्शन कर लोगे ना भैया, फिर ये जो पैसा कंस्ट्रक्शन से जमा करोगे ये कहाँ जाएगा, इस पर तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो ये तो पानी का नलका खोला एक तरीके से कि पैसा आने दो, जितना पैसा बाहर गया ना ये वापस आ जाए, एक दफा वापस आ जाएगा फिर तो ये इसी इकोनॉमी में घूम रहा होगा, फिर हम दरवाजा फिर से बंद कर देंगे, फिर इस इकोनॉमी के अंदर टैक्स जनरेट होगा। लेकिन वो टैक्स कोई भी कंपनी का ओनर नहीं दे रहा होगा, आप और मैं ही दे रहे होंगे। मदिया आपको समझ में आ गया? जी सर आपकी बात समझ आ गई मुझको। तो सर ये जो अभी आप किया का बता रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सर आपकी बात मुझे समझ आ गई है। तो आप किया का बता रहे हैं कि ये जो स्पोर्टेज है ये अब आने वाले सालों में ये 80 लाख की हो जाएगी या उससे ज्यादा की हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो खरीद लेगा उसको वो सही है या वो? थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी बहुत वीक आ रही है, आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आपकी सैमसंग वाली बात समझ आ गई है, और जो दूसरी चीज़ है कि ये किया का जो आप बता रहे हैं कि स्पोर्टेज की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इन द कमिंग ईयर्स, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले तो विल इट बी बेनिफिशियल या फिर उसका नुकसान होगा? यहाँ भी गवर्नमेंट ने एक और लॉ लगा दिया कि आप अपने सीसी गाड़ी है स्पोर्टेज, तो ये 80 लाख की अगर
हो जाएगी तो कोई सेंस नहीं बन रहा, तो गवर्नमेंट इस पे सीलिंग प्राइस नहीं लगाएगी? नहीं, गवर्नमेंट इस पर सेलिंग में नहीं लगाएगी। बेसिकली गवर्नमेंट बेसिकली किया क्या करेगी कि एक वक्त के बाद इसकी प्रोडक्शन बंद कर देगी, खत्म, अब नहीं बना सकता अब उसको, या आप बनाओगे नहीं इसको। जैसे अभी 1000 cc के साथ किया, 1000 cc की प्राइस रेज कर गई थी इनसेन, तो गवर्नमेंट ने एक छोटी सी अमेंडमेंट की, बताया भाई इस पर ये वाला टैक्स कम कर, ये वाला टैक्स कम कर दिया। अब जो टैक्स कम किया है तो सारा नुकसान किसको हुआ? सारा नुकसान डायरेक्टली सुजुकी को हुआ ना, जो प्रोडक्ट बन चुकी थी या जो प्रोडक्ट इन प्रोसेस थी उस पर टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया। अब कस्टमर तो आपसे रिबेट मांगेगा, कस्टमर तो बोलेगा अब ये लग गया मुझे तो, जैसे पेट्रोल प्राइस के साथ होता है कि जिस दिन बढ़ी तो उस दिन पेट्रोल पंप वालों का फायदा, जिस दिन गिरी उस दिन पेट्रोल पंप वालों का नुकसान, क्योंकि उन्होंने तो उस प्राइस पे ली होती है जो प्राइस आपको लिख के दी हुई होती है। अब जो रात को 12 बजे जो चेंज होता है तो उनकी तो पूरी सप्लाई चेन है ना, वो तो फिल्ट्रेशन प्लांट में भी ऑयल पड़ा हुआ है, वो तो पाइपलाइन में भी ऑयल रखा हुआ है, वो तो कंटेनरों में भी ऑयल है, वो तो पेट्रोल पंप से भी ऑयल है, वो कौन बियर करेगा? वो फिर या तो कंज्यूमर बेयर करता है बढ़ने की वजह से, या जब ऑनर बेयर करता है। तो जैसे अभी 1000 cc के साथ क्या, ऐसे हो सब 1500 cc के साथ कर देंगे, इमरान खान सब तो फुल मूड में इलेक्ट्रॉनिक कार्स लाने के, तो वो फिर 5 साल के बाद बोलेंगे कि यार ये किया का इंजन जो है ना ये चूंकि उसके लिए बहुत खराब है इन्वायरमेंट के लिए, तो अभी आप जो है ना काइंडली जो है ना किया की प्रोडक्शन बंद कर दें। किया वाले बोलेंगे थैंक यू सो मच, हमें तो ये चाहिए था, वो बंद करेंगे, वो कोई और गाड़ी बनाना शुरू कर देंगे। ये कार्टल है, कार्टल, ये इसको इससे ना कोई लड़ता है ना कोई लड़ सकता है, इसके साथ चलते हैं सब। होंडा सिटी कितने अरसे तक ऐसा ही होता रहा कि लोग खरीदते थे, 5 साल के बाद उसी प्राइस पे बेचते थे जितने में खरीदी। अब जैसे मैंने वैगनार खरीदी 10-55 की, मेरी अभी भी वैगनार 12-12.5 लाख रुपए की चली जाएगी, तो मैंने 5 साल चलाई, 6 दफा उसका एक्सीडेंट किया और उसके बाद भी वो उस प्राइस से 1-2 लाख ऊपर ही जा रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है प्राइस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने पैसा लगाया और इन्वेस्ट कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट बन गए। तो गाड़ियां अभी तक जो है ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं है, बट गाड़ियां इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे गाड़ियों में लगाते, लेकिन अब चूंकि टैक्स का लॉ इतना स्ट्रांग कर दिया है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे इतनी पकड़ रकड़ लगा दी है, तो अब आप इतने आराम से गाड़ियां नहीं खरीद सकते। वरना ऐसे हजारों शोरूम वाले थे जिनकी लिविंग ही ये थी कि गाड़ी बुक कराते थे, बुक कराने के बाद जब वो गाड़ी शोरूम पे आती थी उसमें ओन पे 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ओन पे बेच देते थे। लेकिन अब चूंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बड़ा स्ट्रिजेंट कर दिया गया है, चीजों को बड़ा मॉनिटर किया जा रहा है, तो अब आप उसको इस तरीके से एज बिजनेस नहीं देख सकते। जैसे मदिया ने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए, तो अब आप ऐसी इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए गाड़ी नहीं ले सकते, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट लॉ कर दिए कि गाड़ी को बेचना है तो बेचने के 6 महीने के अंदर अंदर वो रजिस्टर हो जानी चाहिए, उसका जो इंजन नंबर है, उसकी सीरियल नंबर है, चेसिस नंबर है, वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आ जानी चाहिए। अब गाड़ी एक दफा रजिस्टर करा लें और फिर उसको भले शोरूम पे ही खड़ी रखें, लेकिन उसकी वैल्यू गिरती जाती है क्योंकि उसका मॉडल चेंज होता जाता है। हुज़ैफ़ा तुम कुछ बोल रहे थे, बात जो है ना बीच में रह गई। सर मैं वही वाली बात कर रहा था, एसेट वाली। जी सर मैं यही बात कर रहा था, पाकिस्तान में गाड़ियां जो है ना ये डेप्रिशिएट नहीं होती, एप्रिशिएट होती, तो वही आपने वही अभी मतलब कर दिया। मैंने 11 साल पहले कल्टस ली थी, जिस प्राइस में ली थी आज उससे ज्यादा की बिक्री, तो ये वही वाली बात है। तो ये एक अलमिया है, इसको ये को खुशी की बात नहीं है, अलमिया, क्योंकि अगर सवारी एसेट बढ़ने की ना तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो इसी की वजह से प्राइसेस बढ़ भी रही। अगर इसको एसेट कंसीडर ना किया जाए और गाड़ी को खरीदते हुए उसकी रीसेल ना देखी जाए ना, तो शायद बहुत सारी गाड़ियां जो है ना वो बिकना ही बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोरोला है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्चूनर है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी गाड़ियाँ मेहरान है कि वो उसको उसको गाड़ी कहने ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो गई, इतनी गाड़ियाँ आगे आ गई। इसी तरीके से सेलफोन है, सेलफोन लोग खरीदते हैं रीसेल वैल्यू देख के, रीसेल वैल्यू देख, जब तक रीसेल वैल्यू पे चीज़ों को देखते रहोगे ना तब तक उसकी प्राइस कभी नीचे नहीं आएगी। इंडिया में यही सेलफोन आधी से कम प्राइस में क्यों बिकता है? क्योंकि उसको रीसेल नहीं, उसको कमोडिटी ट्रीट किया जाता है, चाय पत्ती चीनी की तरह के फेंक दिया, दूसरा ले लिया। रीसेल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ रीसेल रहेगी ना जब तक, तब तक उस चीज़ की प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इनको टर्म्स का बेनिफिट क्या है? इनको टर्म्स बेसिकली रिडक्शन ऑफ रिस्क के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसके अंदर एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर की ऑब्लिगेशन बता देते हैं और ओनरशिप या टाइटल और ट्रांसफर को कवर नहीं करता इनको टर्म। इनको टर्म कहीं भी ये नहीं कहता
कि यहाँ से यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जो है आप अगर FCA लिख रहे हैं तो पहले कैरियर पे आके आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ये दोनों पार्टीज की अंडरलाइन डिस्क्रिप्शन होती है कि कहाँ पे ओनरशिप को ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओनरशिप का ट्रांसफर दिखाना होता है, तो ओनरशिप का ट्रांसफर इनकोटर्म नहीं बताता, वो फिर आपको आपके अपने बैंकिंग लॉ या अपने फाइनेंशियल लॉ के मुताबिक करना होता है। ठीक है, इनकोटर्म्स तीन अभी तक आ चुकी हैं मेजॉरिटी, बाकी रिविजन तो उसके बहुत सारे हैं। 1936 में पहली मरतब आई थी, 2010 में जो है वो जो आई थी उसको इनकोटर्म 2011 कहते थे, जो कि 2019 31 दिसंबर तक वैलिड थी, और 1 जनवरी से 2020 इनकोटर्म्स वैलिड हैं। ठीक है, इनकोटर्म्स कैन नॉट बी यूज फॉर सर्विस एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इनकोटर्म के ऊपर पूरा सर्विस एग्रीमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। सर्विस एग्रीमेंट इज अ वेरी डिफरेंट मेथड, इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट, इनकोटर्म सर्विस एग्रीमेंट का पार्ट है। इसी तरीके से इनकोटर्म पेमेंट मेथड के लिए आप यूज नहीं कर सकते, आप इनकोटर्म लिख दिया तो अब ये पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड आपको अलग से बताना होगा, वो CAD है, LC है। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप इनकोटर्म को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी चीज के लिए DDP लिख दिया तो आप क्लासिफाई कर देते हैं ये जो है पेरिशेबल आइटम है, या किसी चीज के लिए FCA लिख दिया तो ये क्लासिफाई कर देते हैं वो नॉन पेरिशेबल आइटम है। फिर कंट्री के जो सेपरेट लॉज होते हैं उसके लिए इनकोटर्म जो है काम नहीं कर सकती। क्रेडिट पीरियड के लिए इनकोटर्म काम नहीं कर सकती, क्या आपने जो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है या क्रेडिट पीरियड दिया है इनकोटर्म उसको डिफाइन नहीं करता। इनकोटर्म जो है वो सिर्फ आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। टैरिफ एंड टैक्सेस, गुड स्पेसिफिकेशन, करेंसी, टाइटल ट्रांसफर, इनके लिए इनकोटर्म यूज नहीं हो सकता। जी किसने हैंड रेस किया था? अच्छा, इनकोटर्म्स 2010 या इनकोटर्म्स 2020 में जो 7 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे एनी मोड के लिए या मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके अंदर एक ही चेंज है कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल को चेंज कर दिया गया DPU से। 2010 और 2020 के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि 2010 के अंदर एक टर्म यूज हो रही डिलीवर्ड एट टर्मिनल और उसको कन्वर्ट कर दिया DPU में, डिलीवर्ड पता नहीं इसको मैं इसका फुल फॉर्म आगे जाके देखेंगे, मैं भूल गया इसका अचानक फुल फॉर्म। डिलीवर्ड पोर्ट अनलोडेड, डिलीवर्ड पोर्ट अनलोडेड, डिलीवर्ड एट टर्मिनल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया डिलीवर्ड पोर्ट अनलोडेड से, और जो बाकी की जो चार टर्म्स थी जो कि FSC, FOB, CFR और CIFT इन पे कोई चेंज नहीं है, ये सेम है इनकोटर्म 2020 के अंदर भी। ठीक है, अब ये आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 12 चीजों को इनकोटर्म कवर करती है। इनकोटर्म अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले गुड्स, फिर पैकेजिंग, लोडिंग अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट इनलैंड मतलब किसी भी कंट्री का इनलैंड फ्रेट, फिर मेन कैरियज, फिर एयर फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, ऑन क्लियरेंस पोर्ट, ड्यूटी सक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इन 12 चीजों को आपकी हर इनकोटर्म कवर कर रही होती है। हर इनकोटर्म को समझने के लिए इन 12 को डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पे सेलर की ड्यूटी है, किस पॉइंट पे बायर की ड्यूटी है, ये 12 पॉइंट्स में आपको देखना होता है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हैं इनकोटर्म के। पहला ग्रुप किसी भी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो सकता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो सिर्फ आप सी के लिए यूज करते हैं, या अगर आप सी ट्रांसपोर्ट पे देखें तो क्योंकि सी ट्रांसपोर्ट इज ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क सिस्टम, तो आप ग्रुप टू को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ग्रुप वन भी ऑल दो बहुत यूज होती है, लेकिन छोटे कैरियजेस के लिए, छोटे चीजों के लिए यूज होती है, ज्यादातर जो है वो आप ग्रुप टू को यूज करते हैं। जी अभी तक कोई सवाल? सर ये 12 डिपार्टमेंट जो आपने बताया था कि ये इनको टर्म्स के अंडर, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये 12 इसके स्टेक होल्डर्स हैं, या इसको शिपिंग लाइन भी अगर हम कहें, या बायर और सेलर की, स्टेक होल्डर इसमें दो ही रहेंगे, बायर सेलर। ठीक है, स्टेक होल्डर दो ही हैं। ये 12 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो बायर और सेलर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू इनकोटर्म। जी नईम साहब, सर वो जो आपने दो ग्रुप दिखाए थे उसमें ग्रुप वन जो है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज होगा, मतलब हम CPT भी अब जो है वो सी के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सी जो शुरू के साथ इनकोटर्म है वो किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड के लिए, ट्रेन, रेल, रोड, एयर, सी, किसी के लिए भी, इंटर मॉडल अगर आप कर रहे हो तो इंटर मॉडल के भी यूज करते हैं, लेकिन जो आखिरी चार हैं वो सिर्फ सी के लिए हैं। उन चार को लिख दोगे ना तो फिर आपको नीचे सी फ्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, उन चार में से कोई भी यूज हुआ इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली सी फ्रेट है। ठीक है सर, क्योंकि हमको लास्ट टाइम तो ये था कि हम CPT नहीं यूज कर सकते थे जो है वो फॉर सी शिपमेंट, लेकिन सिर्फ एयर के लिए यूज कहते यही है कि अगर आप चूंकि सी यूज कर रहे हैं तो आप सी वाली इनकोटर्म यूज करें, लेकिन अगर आपकी कोई नेगोशिएशन ऐसी हुई है ना तो आप उसमें फिर CPT यूज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये है नहीं सी के लिए, लेकिन सी के लिए जो स्पेसिफिकली चार है उनमें मेरा वेंडर नेगोशिएट नहीं कर रहा,
तो मुझे इसमें आके नेगोशिएट करवाना पड़ा। मुझे याद है कि बैंक हमें ना एतराज कर देता था, क्योंकि अगर जो है वो वेंडर की इनवॉइस पे भी सीपीटी लिखा हुआ है ना, लेकिन वो सी फ्रेट दे रहा है, तो हमें जो है वो फाइनेंस हमें कहता था कि नहीं यार आप इसको जो है वो सैफ में चेंज करें और इसको जो है वो आप इसको सीएफआर दीजिए, ऑल्दो कि परचेस ऑर्डर पे जो है वो सीपीटी मेंशन होता था वेंडर के पास। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि वेंडर लिख के दे रहा है सीपीटी, सीपीटी का मतलब होता है कैरियज पेड टू, लेकिन इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो अब इंश्योरेंस कौन कराएगा? बायर कराएगा, सेलर कराएगा? तो अब आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस सेलर कराएगा, तो जब इंश्योरेंस सेलर ने करानी है तो वो सीएफआर देगा ना, सीपीटी क्यों दे रहा है? सही है ये, आप जो है ना आगे ले जाते हैं क्लास को ना, फिर क्लास बेचारी मेरी पीछे बोर हो जाती है। आप फिर तुमको समझ में आ रहा है? मुझे तो ऐसा लगा तुमने एक तस्वीर लगा दी अपनी आप, है ना, ऊपर छत है और तुम्हारी चेहरा है बस, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। तुमको समझ में आ रहा है ना? जी जी सर, अभी तक तो आ रहा है। अच्छा, इनको टर्म्स तो हम डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। जी साई साहब, इनको टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, ब्रेक का टाइम नहीं हुआ, ब्रेक तो अब इनको टर्म के बाद मिलेगी एक ही दफा। इनको टर्म में अभी आपको ऐसा गुजार दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फिक्र ना करें, मैं सारी याद करके आया हूँ। अब आप 10-15 मिनट दें मुझे, मैं आपको इनको टर्म गुजार देता हूँ। अच्छा, चार जगह की बात होगी, सेलर प्रेमिसेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ अनलोडिंग, बायर प्रेमिसेस, ठीक है, ये हो गई चार प्लेसेस, ठीक है। और दो किस्म के ट्रांसपोर्ट होगी, एक होगी इनलैंड ट्रांसपोर्ट, अब इनलैंड बायर, इनलैंड सेलर, इनलैंड सेलर, इनलैंड बायर, और होगी मेन ट्रांसपोर्ट जो कि सी है हमारे केस में, या एयर है, या रोड है, या रेल है। तो हम इन सब के साथ इनको टर्म्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। एक्सवर्क्स का मतलब क्या है? एक्सवर्क्स सबसे आसान इनको टर्म है, इसमें सेलर कहता है कि मेरी जिम्मेदारी प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर निकाल के रखने की है। दरवाजे के बाहर निकाल के रखने का मतलब ये कि मैं पहले कैरियर पे भी मैं नहीं चढ़ाऊंगा, पहले कैरियर पे भी जो कि मेरे पोर्ट का इनलैंड ट्रांसपोर्ट है वो भी बायर की जिम्मेदारी है, बायर उसकी कॉस्ट पे करेगा, बायर उसका इंश्योरेंस कराएगा, बायर पोर्ट तक लेके आएगा, पोर्ट पे क्लियर कराएगा, सी पे रखेगा, इसका फ्रेट देगा, इसका इंश्योरेंस देगा, अपने पोर्ट पे लेके जाएगा, अपने पोर्ट पे उसको अनलोड करवाएगा, उसकी क्लियरेंस देगा, फिर यहाँ पे कोई एक इनलैंड ट्रांसपोर्ट होगी उस पर चढ़ाएगा और अपनी प्रेमिसेस पे लेके जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी बायर की है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी प्रेमिसेस के बाहर तक की है। एक्सवर्क्स का मतलब ये होता है, ठीक है सर। ये जो जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, जो ये जैपनीज कार्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक्सवर्क्स में आ रहे हैं? डिलीवर्ड एट टर्मिनल आती हैं ज्यादातर, क्योंकि तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब यहां का पाकिस्तानी अगर कोई मंगवा रहा है गाड़ी वहां पे होता है, वो सब कुछ काम कर रहा होता है। हां, लेकिन मैं आपको इनकोटर्म शुरू करने से पहले बताया कि इनकोटर्म जो है ना उसके लिए यहाँ पे 3PL कोई चीज नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, इनकोटर्म 3PL की जिम्मेदारी नहीं बताता, इनकोटर्म सिर्फ बायर और सेलर की बताता है। अब होता क्या है, बायर कहता है सेलर को कि ये जो यहाँ पे 3PL सर्विस प्रोवाइडर ना, इसको ट्रीट करो बायर की तरह, मीन्स आप इसको सारी चीजें देते हैं, सारी चीजें हैंड ओवर करते हैं, ये बायर का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, क्योंकि बायर खुद तो उठ के यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ बायर अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ता है। अब एक्सप्रेस के केस में अगर यहाँ पे लोड करना है या क्लियर कराना है, तो बायर या तो एक तरीका ये है कि बायर अपनी यहाँ सब्सिडी खोले इस मुल्क के अंदर और यहाँ पे अपने लोग रखे, या बायर के लिए आसान ही होता है कि वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को हायर करता है एज आउटसोर्स का है और उसको सारी जिम्मेदारी दे देता है। जिम्मेदारी सारी उसकी होती है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं होती, जिम्मेदारी उसकी है सारी, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी नुकसान हुआ तो पे बायर ही करेगा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कोई चीज़ पे नहीं करते। तो बायर अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे देता है जो कि ये सारे टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरीके से फ्री कैरियर, फ्री कैरियर एक स्टेप आगे करता है, फ्री कैरियर कहता है कि सेलर अपनी परमिशंस के बाहर पहले कैरियर तक रखने का जिम्मेदार है, पहले कैरियर के ऊपर रख देना और पहले कैरियर की ट्रांसपोर्ट पे करना सेलर की जिम्मेदारी है। इसके बाद जब पहले कैरियर पर लोड हो गई, इसके बाद सारी जिम्मेदारी बायर की है, इसका मतलब सारा रिस्क बायर का है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, सारी ओनरशिप बायर की है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कैरियर पर रखते ही ख़त्म हो जाती है, पहले कैरियर तक की इंश्योरेंस, पहले कैरियर तक की पेमेंट, पहले कैरियर तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर रखता है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है। फिर आता है कैरेज पेड टू। कैरेज पेड टू में
रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री कैरियर जितनी है, ठीक है, पहले कैरियर पर रखा जिम्मेदारी खत्म, पहले कैरियर पर रखा इंश्योरेंस खत्म, पहले कैरियर पर रखा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बट आपके पोर्ट तक पहुंचने का सारा कॉस्ट बायर पे सेलर पे करता है, सारी कॉस्ट जो है ना वो सेलर पे करता है, जिम्मेदारी पहले कैरियर पर रखते ही खत्म हो जाती है, पहले कैरियर पर रखा सारी जिम्मेदारी बायर की हो गई, सारे इंश्योरेंस बायर करवाएगा, कोई प्रॉब्लम आई तो बायर की, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट पे कर देंगे मतलब पहले कैरियर के भी मेन कैरियर के भी दोनों ट्रांसपोर्ट सेलर पे कर देगा, इसको कहते हैं कैरियर स्प्लिट टू। जी अज़ीज़ साहब। जी सर एक बार मुझे इसमें बताएगा, असल में मैं इधर से मोबाइल से बोलना पड़ रहा है, वो लैपटॉप वाला माइक नहीं चल रहा। अच्छा सर ये था इसमें साथ साथ ये बताते रहे इंश्योरेंस कौन कौन मतलब कहाँ पे बायर इंश्योरेंस के लिए पे करना होगा, कहाँ पे सेलर मतलब जो आपके जिम्मेदारी इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है? नहीं, अच्छा जब तक मैं सेलर का इंश्योरेंस नहीं बता रहा ना तब तक सारे इंश्योरेंस बायर का, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी बायर इंश्योरेंस पे करेगा, इसके अंदर भी बायर इंश्योरेंस पे करेगा, इसके अंदर भी बायर इंश्योरेंस पे करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस सारा बायर करवाएगा। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि अगर सेलर ने कैरियर पेड टू इनकोटम लिखी है तो सेलर की जिम्मेदारी है कि सेलर अपनी प्रीमिसेस से बाहर निकालेगा, पहले कैरियर पे लोड करेगा, पहले कैरियर की सारी ट्रांसपोर्ट पे करेगा और दूसरे कैरियर की जो मेन कैरियर होगा उसकी ट्रांसपोर्ट भी पे करेगा, लेकिन इंश्योरेंस पहले कैरियर के बाद से बायर की जिम्मेदारी हो गई। पहले कैरियर तक सेलर की जिम्मेदारी थी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनाई फैक्ट्री से निकाली, पहले कैरियर पर लोड करते हुए टूट गई, खराब हो गई, आग लग गई, धमाका हो गया, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की, लेकिन पहले कैरियर पर चढ़ गई, पहले कैरियर पर लोड हो गई और पहले कैरियर ने रास्ते में उस चीज़ को कहीं खराब कर दिया, फेंक दिया, ये तबाह हो गया, तो अब ये सारा इंश्योरेंस बायर का है, ये सारी जिम्मेदारी बायर की है। सिर्फ सेलर रिस्पॉन्सिबल था कैरियर पे करने का, मींस पहले कैरियर का और मेन कैरियर का जो कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन की वो पे करेगा। अच्छा इस केस के अंदर पोर्ट पे पहुंचने के बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी क्लियरेंस की जिम्मेदारी बायर की है, अगले कैरियर पे लोड कराने की जिम्मेदारी बायर की है और इस पूरे इंश्योरेंस को पे करने की जिम्मेदारी बायर की है। फिर आता है कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू, इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप पहले कैरियर पर ट्रांसफर हो जाएगी बायर को, लेकिन अब सेलर जो है वो इंश्योरेंस भी पे कर रहा होगा बायर के टर्मिनल तक और बायर के टर्मिनल तक, लेकिन जिम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पहले कैरियर पर रखते ही बायर की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इस दौरान इंश्योरेंस भरना भी पड़ा या इंश्योरेंस को क्लेम करवाना पड़ा तो बायर करवाएगा, अगर इस दौरान प्रोडक्ट खराब हो गई तो बायर की जिम्मेदारी, अगर इस दौरान कोई भी मसला आ गया तो बायर की जिम्मेदारी, बायर रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों का, येट पेमेंट जो है इंश्योरेंस की, पेमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो सेलर कर रहा होगा, जिम्मेदारी सारी बायर की है, पेमेंट यहाँ पे इंश्योरेंस की भी और ट्रांसपोर्टेशन की भी टू द टर्मिनल ऑफ बायर सेलर पे कर रहा होगा, बायर के टर्मिनल तक सेलर पे कर रहा होगा, ठीक है। सर यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, अब ये इस तरह के केसेस में सेलर इंश्योरेंस भी पे कर रहा है, कैरियर के भी दे रहा है, अब कैरियर डिसाइड भी बायर करेगा, इंश्योरेंस भी डिसाइड, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी को भी बायर डिसाइड करेगा? नहीं, डिसाइड सेलर ही करेगा। अच्छा यही तो सारा गेम है, क्योंकि होता ही है कि जब आप नेगोशिएट कर रहे होते ना, सेलर कहता है कि ठीक है मैं तो आप कैरियर इंश्योरेंस पेड टू कर दूंगा, बायर बड़ा खुश होता है, बाहर बाहर निकल के कहता है वाह यार मैंने क्या डील की, सेलर यहीं खेल जाता है, सेलर रखेगा सबसे थके हुए टर्मिनल के अंदर, सबसे थके हुए वेसल के ऊपर, जो कि 21 दिन में आना था वो 65 दिन में आ रहा होगा, और इंश्योरेंस भी सबसे थकी हुई कराएगा, ऐसी कंपनी कराएगा कि शायद कभी वो इंश्योरेंस कंपनी पैदा ही नहीं हुई दुनिया के अंदर, उसकी इंश्योरेंस करा के आपको दे देगा, आप खुश हो जाएंगे यार इंश्योरेंस बच गई, आप खुश हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट बच गई, लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगी तब तक वो सारा पैसा बर्बाद, मतलब सारा पैसा जो है वो सेलर एक्वायर कर चुका होगा इस गिमिक के जरिए कि यार मैं पे कर रहा हूँ ना, जो पे करता है वो डिसाइड करता है, जो पे नहीं करता वो डिसाइड नहीं करता। सर यहाँ पे तो फिर अगर वो डिसाइड करेगा तो वो तो आपका रिस्क बढ़ा देगा बायर के लिए, बायर का रिस्क बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तभी तो कैरियज इंश्योरेंस पेड टू ज्यादातर लोग रखते नहीं है, ज्यादातर लोग जो है ना इसके बाद वाले इनकोटम यूज करते हैं कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल, आप टर्मिनल पर डिलीवर करवा के दें फिर मेरी जिम्मेदारी होगी, तब तक कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जी नईम साहब, मतलब इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट पे आएगा ना? फाइनेंशियल कॉस्ट पे आएगा, सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट में और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी होगी, इसका मतलब ये है कि आप
ने अगर ये इनको टर्म लिख दिए ना तो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब इसको एलसी से सीखते हैं, एलसी एट साइट है और उसमें कैरियज इंश्योरेंस पेड टू है, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पहुंच गए, आपको पेमेंट करनी है, जिम्मेदारी आपकी है, आपने पेमेंट कर दी। अब वो 65 दिन में पहुंचा, 30 दिन में पहुंचा, 21 दिन में पहुंचा या 200 दिनों में पहुंचा, आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट लगनी शुरू हो गई उस दिन से जिस दिन से एलसी एट साइट ने 7 दिन में डॉक्यूमेंट के पैसे दे दिए। अब आपके पास इन्वेंट्री आई नहीं है, पेमेंट कर चुके हो आप, जैसे कि बहुत सारे आप ऑनलाइन केसेस के अंदर ऑनलाइन जब प्रोडक्ट खरीद रहे होते हो तो आपको कितनी अच्छी अच्छी लुक्रेटिव ऑफर्स मिलती हैं कि यार आप पेमेंट कर दें, कार्ड से पेमेंट करें 20% ऑफ 30% ऑफ, ये क्यों करते हैं, लुक्रेशन होती है कि आपने पेमेंट कर दी, प्रोडक्ट पहुंची नहीं पहुंची, वो फिर आप लड़ते रहिएगा कस्टमर के, फूड पांडा पे खाना मंगवा लिया, अब आपने खाना मंगवाया एक क्रेडिट कार्ड से, एक खाना मंगवाया पेमेंट से, आपके पास खाना पहुंचा खराब कंडीशन में निकला, आपने फूड पांडा राइडर को वापस कर दिया, आपने कहा मैं पेमेंट नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने कार्ड से मंगवाया है तो वो खराब तरीके से पहुंचे, अच्छी तरीके से पहुंचे, आपको उस वक्त तो एक्सेप्ट करना आपके ऊपर लाजमी, फिर आप बेशक फूड पांडा से लड़ते रहे कि मेरे पैसे वापस करो, वो फिर 3 महीने के बाद आपके पैसे वापस करता है। तो इसी तरीके का गेम है कि ये कैरेज इंश्योरेंस पेड टू, एक सप्लायर जो है ना, सेलर जो है वो करता क्या है कि वो आपको एक हाई कॉस्ट देता है अपनी प्रोडक्ट की, आप वो हाई कॉस्ट मानते नहीं है तो वो हाई कॉस्ट मनवाने के लिए CIP दे देता है कि आप चले कॉस्ट नहीं मान रहे ना मेरी, आप मैं आपको ट्रांसपोर्ट भी पे करके दूंगा, मैं आपको इंश्योरेंस भी पे करके दूंगा। बायर बड़ा खुश हो जाता है, बायर कहता है वेरी गुड, लेकिन जब प्रोडक्ट यहाँ पहुंचती है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कुछ एक चीज होती है टर्मिनल फ्री डेज, ठीक है, ये टर्मिनल फ्री डेज क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके कंटेनर पहुंचने के बाद आपको कुछ दिन मिलते हैं कि इतने दिन के अंदर अगर आप क्लियरेंस करवा लेंगे तो आपको डैमेज नहीं पे करना होगा, टर्मिनल फ्री डेज। अब बायर ने जो ट्रांसपोर्ट करवाई है उसके अंदर टर्मिनल फ्री डेज है 7 दिन, और आप जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसके अंदर आपको टर्मिनल फ्री डेज मिलते हैं 21 दिन, तो अब आप लायबल हो गए 7 दिन में पेमेंट करने के, तो आपने 14 दिन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो आपका गया ना, ये 14 दिन अगर आप वही पैसा बैंक में रखवाते तो उसका प्रॉफिट मिलता, लेकिन वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपको वो पेमेंट 7 दिन के अंदर अंदर करनी, 7 दिन के बाद पर डे डैमेज लगना शुरू हो जाएगी। जी नहीं सर, सर एक चीज वो क्लियर करनी थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रेज होती है तो उसे जो है मतलब आती है तो उसे रेज कौन करेगा, मैटर को टिकअप कौन करेगा, यही ना। यस, नंबर वन। नंबर टू, अगर इंश्योरेंस क्लेम भी करनी पड़ी तो कौन करेगा, बायर। अब सेलर कहेगा इंश्योरेंस के पैसे दे दिए, ये इंश्योरेंस कंपनी, ये कॉन्टेक्ट पर्सन है, आप खुद लड़ो आपस में, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी पेमेंट थी, मैंने उसको कर दी है, इंश्योरेंस का क्लेम उसको दे चुका हूँ, अब आप हैं और वो है, अब आप उड़ के चाइना आए, यहाँ क्लेम करवाएं, ईमेल पर लड़ते रहें, फोन पर बात करते रहें, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। मतलब एक CPT का इससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि हर चीज वेंडर की जिम्मेदारी है और हम बड़े मजे से CPT करा रहे होते थे। लेकिन अल्टीमेटली आप बहुत बड़ा रिस्क अपने ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो। सही मदिया सर, मैं यही कह रही थी, आप इस तरह बता रहे हैं कि रिस्क ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन मैंने तो जो जितने वो देखे ऑर्डर जमाने तो CPT हो रहा होता है, तो यही तो गिमिक है, यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको कि CPT में पेमेंट, CPT अच्छा इसलिए लग रहा होता है कि उसमें कॉस्ट सप्लायर दे रहा होता है ना, लेकिन सप्लायर अपनी सारी, आप एक काम कीजिएगा, आपको मैं बहुत आसान बताता हूँ, अगले ऑर्डर में सप्लायर को कहिएगा कि यार मुझे डोर टू डोर के ऑप्शन दो, मैं ना खुद मंगवाना चाहता हूँ, वो आपको जब ऑप्शन देगा ना आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, एक डोर टू डोर $300 की होगी और एक डोर टू डोर $3,000 की होगी, आप बोलोगे सप्लायर को तुम कौन सी यूज करते हो, बोलेगा $300 वाली, बोले 3,000 की क्यों नहीं यूज करते, बोलता मैं क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मैंने तो ये कॉस्ट इनकॉर्पोरेट कर ली ना, ये कॉस्ट तो मेरी शिपमेंट का पार्ट बन गई है, अब मैं उसको जितना सस्ता कर सकूंगा मैं उसको उतना सस्ता करूंगा। आपको अगर डोर टू डोर 3,000 वाली मंगवानी है, मैं इनकोटम चेंज करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ये $300 माइनस कर देता हूँ अपने, सिर्फ डोर टू डोर हैंडलिंग आप देखेंगे ना आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो डोर टू डोर दे रही है, मतलब वो कराची पोर्ट तक पहुंचा के दे रही है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और आप DHL पे चले जाएं वही शिपमेंट आपको $3,000-$6,000 की पड़ रही होगी। तो ये बड़ी गिमिक होता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और सेलर इसमें खेल जाता है, सेलर और बायर इसलिए खुश हो रहा होता है, अब मैं बायर एंड सेलर कह रहा हूँ आपके और उसके प्रोक्योरमेंट मैनेजर को, वो इसलिए खुश हो रहा होता है कि यार उसने बहुत बड़ी कॉस्ट बचा ली होती है, वो बहुत बड़ा रिस्क अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर चुका होता है,
हाँ होता क्या है कि बायर और सेलर के दरमियान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, और बायर और सेलर जो है ना बहुत सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर सीपीटी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला आ भी जाता है ना, तो सेलर बायर के साथ अच्छी टर्म्स रखने की वजह से उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी मेरी आपके साथ बहुत अच्छी टर्म्स हैं, मैं बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम करा लेता हूँ, या मैं इसके लिए आपके डिस्क्रिपेंसी के लिए लड़ जाता हूँ। लेकिन अगर आईसीसी में चले गए दोनों, तो आईसीसी कहेगा चैरेंज पेड टू है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बायर की थी। जी नहीं साहब, आपकी जो बात है इस पे यही इसी तरीके से, जब हम बहुत सारे वेंडर्स एक्सवर्क सपोर्ट करते हैं और आप उनसे कहते हो नहीं मुझे जो है वो इनकोटर्म चेंज करो, वो नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर आपको चेंज करवानी है एडिशनल कॉस्ट दीजिए, और वो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा खेलते हैं, मतलब एफओपी चार्जेस वो अलग देंगे एंड देन उसके बाद फ्रेट आपको इतना देते हैं कि आप बोलते हैं यार ठीक है। आप टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ही कभी निकलवा लो, आप बोलो यार टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस जो है ना मैं बेयर करूंगा, और टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस आप बेयर कर लो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। शिपमेंट में $1100 $1200 $1500 तक टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लग जाते हैं, जो कि सप्लायर अपने एंड से करवाता ना तो वो $200 में करवा लेता है। वो तो आपको हर चीज का चार्ज करेगा ना, इधर से गाड़ी इधर पहुंची, मैं आपको जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि कितने ज्यादा कॉस्ट ऐसी होती है कि जो आप हिडन पे कर रहे होते हैं। आपको पता है अगर ड्राइवर की शिफ्ट चेंज हो गई और उस वक्त आपकी जो शिपमेंट है वो रखी हुई है, जो ड्राइवर की शिफ्ट चेंज हो रही है ना उस दौरान भी अगर गाड़ी को कुछ हो गया ना, तो जिम्मेदारी बायर की है, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बड़ा लिमिटेड अमाउंट में लिखा होता है, बड़े छोटे स्टेरिक के साथ लिखा होता है कि ड्राइवर की शिफ्ट चेंज हो रही है और खुदा ना खासा गाड़ी में आग लग गई, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चूंकि वो नो गो जोन था उस वक्त, ना वो बायर का था ना सेलर का था, तो अब जिम्मेदारी देखी जाएगी इनको टर्म के मुताबिक, वो जिम्मेदारी किसकी थी, इनको टर्म के मुताबिक बायर की थी, बायर रिस्पॉन्सिबल। सेलर बायर कहेगा सेलर ने पेमेंट की है, तो कहेगा सेलर ने पेमेंट की थी, लेकिन ये हुआ तब है कि जब शिफ्ट चेंज हो रही थी, जब ये नो मैंस लैंड था, और इस वक्त जो है वो सारी जिम्मेदारी बायर की थी, क्योंकि सेलर सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे दे रहा है, इंश्योरेंस क्लेम करने का जिम्मेदार नहीं है। जी अजय साहब कुछ कह रहे थे आप। वैसे जिम्मेदारी का वर्ड मैं ये समझाऊं कि कॉस्ट किसके ऊपर पड़ेगी, दैट्स इट। नहीं, जिम्मेदारी का मतलब ये कि कॉस्ट कोई भी दे रहा है, क्लेम कौन करवाएगा। अच्छा क्लेम, हाँ वो तो इंश्योरेंस दोनों साइड से ही ना, वो क्लेम इंडायरेक्टली, क्लेम कौन कराएगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, अगर गॉड फॉरबिड इस प्रोडक्ट को कुछ हो गया तो ये जिम्मेदारी किसकी थी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई फूड प्रोडक्ट मंगवा रहे थे और जो रास्ते में खराब हो गई, इंश्योरेंस वो दे रहा है, सब कुछ वो दे रहा है, लेकिन उसको डिस्पोज करने की कॉस्ट कौन देगा। एक एक केजी डिस्पोज करने की कॉस्ट $300 होती है चाइना के अंदर, अगर आपको एक केजी फूड डिस्पोज करना है तो $300 है। अब आप सोच लो, आप वो शिपमेंट इम्पोर्ट कर लोगे ना तो भी आपको सस्ती पड़ेगी उसी हालत में। तो सर अच्छा, फिर अच्छा इंपोर्ट मैनेजर तो वही हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर का जो भी, जो कि मतलब इन सारी चीजों को बड़ा स्मूथली जो ज्यादातर कोशिश करे कि डी वाली यूज करे, डीडीपी डीएपी डीडीयू, सबसे अच्छा इंपोर्ट मैनेजर वो है जो सारी डी वाली यूज करता है, और सबसे ज्यादा रिस्क में वो रहता है जो सारी सी वाली यूज करता है। जी नहीं साहब, मैंने एक जगह पे एक सेमिनार अटेंड किया था, मेरा आईबीए का बैचमेट था, उसने ट्रेनिंग दी थी इनकोटर्म पे, तो आप यकीन करें उस ट्रेनिंग के बाद जो है वो उसके इम्पोर्ट डायरेक्टर ने दो इम्पोर्ट मैनेजर निकाल दिए थे। क्या ये तो तुम सालों से ना इसको गलत तरीके से समझ रहे हो, ये इनकोटर्म बेसिकली पैसा है भाई, आप क्या समझते हैं। लोग बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जो इनकोटर्म समझाते हैं आके, यार ये इनकोटर्म इसको ये नहीं, इसको ये कहते हैं, इसको ये नहीं, इसको ये कहते हैं। लोग तो सालों से देखो कंपनी से ना सिंपल फॉर्म होता है, एक इम्पोर्ट मैनेजर आके जिस सीट पे बैठता है ना वो पुराने डॉक्यूमेंट निकालता है, तो देखता है कौन सी इनकोटर्म यूज हो रही थी, वो वही यूज करना शुरू करता है, यार ये पुराना यूज कर रहा था ना ये ठीक होगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन मसला तो देखो 100 शिपमेंट आ गए, एक में मसला आ गया ना, वो जो एक मसला है ना वो 100 का प्रॉफिट धो देता है आपका। एक सूस कैनाल ना कंपनियां लेके डूब गया, एक सूस कैनाल ने 4 इंश्योरेंस कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दिया, एक सूस कैनाल ने 3 बड़ी लॉजिस्टिक्स कैरियर को $3 trillion का नुकसान दिया, ठीक है ना। एक सूस कैनाल हुआ, समझ में आ गया सबको कि यार इनकोटर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, इनकोटर्म में जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अभी से पहले तो देखो ना, मैं बहुत गंदी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत माइंड माजरत करना है इस बात पे कि जिसका भी कोविड से जाता है या जिसका भी कोविड से किसी का इंतकाल होता है उसको पता चलता है कि कोविड है क्या, ठीक है ना। अब तब तक तो कोविड पता ही नहीं है, तब तक तो हम तो आधी जिंदगी मान ही नहीं रहे कि कोविड है,
लेकिन जिसका जाता है ना, फिर वो लोगों को पकड़ पकड़ के बता रहा होता है कि अल्लाह का वास्ता मास्क पहनो, अल्लाह का वास्ता हैंड सैनिटाइज करो, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग करो, बहुत बुरी हालत है, मर रहे हैं लोग, ठीक है ना, या कोई खुदा ना खासा मेरे मुंह में हाथ, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगाता है ना, उसको पता चलता है कि कोविड है क्या असल में, ना कोविड की डिवास्टेशन क्या है। तो यही चीज इनकोटर्म के साथ है कि जब तक चल रही है तब तक चल रही है। जिस दिन एक भी शिपमेंट फंस गई ना, जिस भी एक 3-4-5 हज़ार डॉलर, 15,000 डॉलर, 20,000 डॉलर की पड़ गई ना, उस दिन कंपनी बिठा के पूछेगी कि यार तुम CBM से MBA करके आए थे, तुमको इनकोटर्म पढ़ना नहीं आती थी, तुमने ये इनकोटर्म यूज ही क्यों की थी। आप बोलोगे सर पहले भी यूज हो रही थी, तो बोला पहले तो MBA नहीं रखा था हमने, आपको MBA क्यों रखा है, ठीक है। फिर आती यही चीज थी कि हम लोग जो है ना जनरली हमारे अभी भी टेंडर होते हैं, तो उसमें जो है वो FOB और FCA इक्विवेलेंट कंसीडर होते हैं, और CBD CFR इक्विवेलेंट कंसीडर होते हैं। नहीं वो इम्पोर्ट मैनेजर यार नॉन टेक्निकल नॉन पढ़े लिखे लोग होते हैं ज्यादातर, ये वो लोग होते हैं जो लेबरर्स कर सकते हैं, ऑपरेशंस का काम कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स का पूरा हेड है, जो इम्पोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट देखता है, उसको ईमेल लिखना नहीं आती, वो ईमेल लिखने के लिए उसने असिस्टेंट रखा हुआ, उसको जाके अगर मैं ये सब समझाऊंगा तो कल मेरी नौकरी खा जाएगा। तो बेहतर ये है कि चलने तो जैसा चल रहा है, मैं अपनी शिपमेंट के अंदर फिर बहुत केयरफुल रहता हूँ कि उसमें क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। आपका काम है सिर्फ सोर्स करना, सोर्स करके इम्पोर्ट डिपार्टमेंट को, इम्पोर्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार है सब चीजों को मंगवाने का, तो फिर हमें टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर कल को आप इम्पोर्ट मैनेजर बने तो आपको पता होगा कि कहाँ जिम्मेदारी ट्रांसफर होती है। देखो ये डिलीवर्ड एट टर्मिनल है ना, अब डिलीवर्ड एट टर्मिनल के अंदर भी गिमिक है, आगे जाके आपको DPU में समझ आएगा कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल के अंदर सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंड जो आपकी कन्वेंस है उसके पैसे देने का। मीन्स सेलर अपनी प्रीमिसेस की कन्वेंस देगा, अपनी प्रीमिसेस अपनी टर्मिनल की जिम्मेदारी उठाएगा, जब तक पोर्ट नहीं पहुंचा तब तक की जिम्मेदारी उठाएगा, और पोर्ट पे पहुंचने के बाद भी यहाँ की जो सेकेंड शिपमेंट है, मीन्स यहाँ पे जो कंटेनर चार्जेस हैं या जो हैंडलिंग चार्जेस हैं, उसको देने का जिम्मेदार है DAT के अंदर। लेकिन कोई ये जिम्मेदारी उससे लेता ही नहीं, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है, आप मुझे पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसी शिपमेंट नहीं दिखा सकते कि जिसके अंदर DAT के अंदर सेलर ने यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट पे की हो। रीजन भी पता ही नहीं है लोगों को यार, यहाँ पे जो है यहाँ आने के बाद भी जो शिपमेंट की चार्जेस हैं वो जो या तो जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो सेलर की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि गुडविल में काम चल रहा है तो सब चला रहे हैं। अच्छा DAT के अंदर सेलर जो है वो देखो, क्योंकि इसके अंदर लिखा है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू अ नेम प्लेस बट नॉट ऑब्लाइज टू इंश्योर, ट्रांसपोर्टेशन देने का जिम्मेदार है, इंश्योरेंस देने का जिम्मेदार नहीं है। इंश्योरेंस देगा तब तक कि जब तक ये अनलोड नहीं हो जाती बायर के टर्मिनल पे, बायर के टर्मिनल पे अनलोड हो गई, इंश्योरेंस खत्म, कॉस्ट खत्म, इंश्योरेंस खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, कॉस्ट बाकी है। कॉस्ट क्या बाकी है कि बायर अपनी प्रीमिसेस तक पहुंचाने के लिए इस टर्मिनल से जो भी कॉस्ट देगा, बायर क्लेम कर सकता है सेलर से कि ये क्योंकि DAT लिखा हुआ था तो आप इसके लायबल हैं इसको पे करने के। जी जी सर, इसमें बस एक चीज और बताएगा, दोबारा ये वाला खुलेगा, इसमें जो कॉस्ट है वो पे करने को तैयार, तो कॉस्ट वो इन्हीं मतलब पे तो यही वाले लोग करेंगे जो इधर बायर वाले, मतलब वो सेलर तो वहां से बायर को नहीं पे कर सकता, क्लेम कर सकता, मतलब आपको यही लफ्ज यूज किया कि आप क्लेम कर सकते हो कि आपने अनलोड करा लिया, आपने जो है पेमेंट आपने क्लियर करा ली, क्लियर कराने के बाद आपने सेकंड व्हीकल पर रख दिया, सेकंड व्हीकल पर रखने के बाद आपकी पेमेंट से पहुंचने की जो भी कॉस्ट है वो 30,000 या 30 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हो। जी नेम साहब, इसमें अनलोडिंग इंक्लूड है ना, जो नई DPU जो आई है उसमें यही चीज क्लेरिफाई की है ना कि वो अनलोड भी करेगा। यस यस, इसीलिए DAT को DPU बनाया गया है कि DAT के अंदर बहुत सारे लोग इस बात पे झगड़ते थे या बहुत सारे सेलर एतराज करते थे कि हम टर्मिनल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, टर्मिनल पे अनलोड करने के जिम्मेदार नहीं है। तो DAT को हटा के इसीलिए DPU किया गया कि डिलीवर्ड पोर्ट अनलोडेड है, कि आप अनलोडिंग करने के जिम्मेदार हैं। अच्छा ये बातें हमें बड़ी छोटी छोटी लगती हैं यार, अनलोडिंग का क्या बड़ा मसला है, आप लोग तो माशाल्लाह जॉब पे हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो जॉब पे नहीं होते बोलेंगे यार अनलोडिंग क्या मसला है यार। भाई कभी कभी ना अनलोडिंग की कॉस्ट लाखों में चली जाती है, करोड़ों में चली जाती है। एक कंटेनर राइस का अनलोड करने के लिए ना, या एक वेसल राइस का अनलोड करने के लिए 30,000 रुपये घंटा की क्रेन लगती है, ठीक है, और एक वेसल को अनलोड होने में 36 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो अब आप कैलकुलेट कर लो कितनी कॉस्ट है सिर्फ अनलोड करने की। वो वेसल कराची पोर्ट पहुंच गया है, उस वेसल को आपके टर्मिनल पे अनलोड होना, उसकी जो क्रेन लग रही है ना, उसकी जो रेंट है वो 30,000 रुपीज़ पर आवर है, और 48 घंटे का ये ऑपरेशन है। इसी तरीके से जो ऑयल के वेसल्स होते हैं ना,
जब ये अपनी शिपमेंट कर रहे होते हैं और ये जब लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहे थे ऑयल की, सिर्फ इसके अंदर ये डॉलर्स में पे करते हैं तकरीबन $1,000 पर घंटा ये पे कर रहे होते हैं सिर्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। तो अब आप ये सोचो कि ये किसने पे करना है। जी नहीं साहब, यही चीज है कि मैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है एजिलिटी से ना, फ्रेट फॉरवर्डिंग का, तो सारी चीजें एजिलिटी जो है वो हमारे बिहाफ पे क्लियर करा रहा होता है और उसे डिलीवर कर रहा होता है। तो उसके बावजूद इवन तो के टेंडर में ना स्पेशली मेंशन था, और बाकी टीम जो टीम थी जो उसका सबसे बड़ा जो कंपटीटर था वो डेमको था, वो एजिलिटी उससे जीता। मतलब हमने ओवरऑल चीजें मांगी थी और ओवरऑल चार्जेस, लेकिन उस पे भी एजिलिटी ने कहीं कहीं जो है वो चीजें, मतलब जो है वो बहुत घुमा दी थी, यही कह लेंगे ओपन छोड़ी थी। आज भी वो उसकी बेसिस पे जो है ना हमसे मुख्तलिफ चार्जेस क्लेम करता है। बिल्कुल, वो कहता है कि मैंने तो ये कहा था कि टर्मिनल पे अनलोड करूंगा, ये टर्मिनल चेंज कर दिया आपने। मैं जो है अब इसमें आपको बहुत बहुत आसान गेमिंग बताऊं, बहुत आसान। आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं ना, वो कहते हैं कराची सी पोर्ट केमाड़ी, अगर आप कराची सी पोर्ट कोरंगी पे उतार देंगे ना तो सारी चार्जेस आपने देने। बड़ा सिंपल, बड़ा लिमिटेड अमाउंट बता रहा हूँ मैं, कि वो लिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम आपकी हैंडलिंग चार्जेस के जिम्मेदार हैं कराची सी पोर्ट केमाड़ी के। अगर आपको गॉड फॉरवर्ड किसी चीज को कोरंगी पे उतारना पड़ा या गवादर पे उतारना पड़ा तो आप हैंडलिंग अनलोडिंग सबके चार्जेस आप देंगे। ये बड़ा स्मॉल वर्ड्स में वो लिख देते हैं, लेकिन आप अगर आप एक बड़ी कंपनी है, आप बहुत बड़े बड़े चार्जेस पे कर रहे होते हैं इसके ऊपर। आपने कस्टमर ने बोला मुझे वैस, अच्छा इसी का गेमिक समझते हैं। कस्टमर को आपने कहा कि यार तुम कैश पेड टू करोगे, कस्टमर को वेरी गुड, कस्टमर ने कॉल की पाकिस्तान, कस्टमर को बताया केमाड़ी के $3,000 है, कोरंगी के $2,000 है, गवादर के $1,000 है, तो वो गवादर पे उतार देगा। वो बोलेगा कैरेज पेड टू गवादर पोर्ट, वो गवादर से लेके यहाँ तक की जिम्मेदारी सारी कॉस्ट आप बेयर करेंगे। तो आपने वो $2,000 बचा के कितने लाख का फायदा उठाया, वो आप 8-10 लाख रुपए जो कंटेनर हैंडलिंग देंगे, पोर्ट चार्जेस देंगे, कंटेनर हैंडलिंग देंगे, यहाँ तक पहुँचाने के देंगे, फिर आप देखेंगे कि ईयर एंड में, साल के एंड में कितने लाख, कितने करोड़ रुपए आपकी इम्पोर्ट की गलतियों की वजह से आप पे कर रहे हो। जरा जैसे मैंने अभी इनको बताया कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस है, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मंगवा ले तो हम जैसे फॉर एग्जांपल एक बीफ का कंटेनर मंगाते हैं, तकरीबन 30 लाख रुपए का कंटेनर होता है एक, ऐसे हम 15-15 कंटेनर 20-20 कंटेनर एक वक्त में मंगवा रहे होते हैं, तो 8-10-15 करोड़ रुपए की उसकी सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस देने होते हैं। हर वक्त कंपनी के पास कैश नहीं होता, अगर 12-15 दिन के बाद कैश आया तो आपको 12-15 दिन के डैमेजेस देने पड़ेंगे, और डैमेजेस को छोटे नहीं होते, 25,000 रुपए पर कंटेनर पर डे होते हैं, क्योंकि रेफर का कंटेनर होता है। अब 10-15 दिन के डैमेज चार्जेस देख लें और आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो प्रोडक्ट ही आपको करोड़ों रुपए महंगी पड़ गई। ठीक है, फिर आता है डिलीवर्ड एट प्लेस। इसके अंदर सेलर जो है वो एक प्लेस तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है, वो प्लेस टर्मिनल के बाद कोई भी जगह हो सकती है या टर्मिनल से पहले भी कोई जगह हो सकती है। आप यही वो टाइम था या यही वो चीज थी कि जिसको चेंज करके सूस कैनाल में बहुत सारे लोगों के पैसे बचाए गए, या बहुत सारी कंपनीज ने अपने आप को डूबने से बचाया, अपने बायर और सेलर का रिलेशनशिप इस्तेमाल किया कि डिलीवर एट टर्मिनल को डिलीवर प्लेस करके सूस कैनाल जहाँ पे खड़ा था वहीं पे उन्होंने उसको अनलोड करवाया और वहीं से फिर सारी चीज़ें ट्रांसफर हुई। अच्छा, डिलीवर एट प्लेस में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे कैरियर पे लोड करके दूसरे कैरियर की कॉस्ट बेयर करना बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे पहले के अंदर दूसरे पे जो लोड करके उसकी चार्जेस आप सेलर से क्लेम कर सकते थे, इसके अंदर दूसरे के चार्जेस आप सेलर से क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पहली मरतबा अगर अनलोड हो गया उसके बाद सारी कॉस्ट, सारी इंश्योरेंस, सारी जिम्मेदारी बायर की है, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे आसान बायर के लिए और सबसे मुश्किल सेलर के लिए डिलीवर ड्यूटी पेड। इसके अंदर जब तक बायर की प्रीमिसेस पे पहुंच नहीं जाता तब तक की सारी इंश्योरेंस, सारी कॉस्ट, सारी जिम्मेदारी सेलर की है, बायर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक के DDP आपके डोर स्टेप पे नहीं पहुंच जाता, आपके प्रेमिसेस में नहीं पहुंच जाता, तब तक सारी जिम्मेदारी सेलर की है। सेलर की ऑब्लिगेशन ख़त्म ही तब होगी जब बायर उसको रिसीव करेगा और रिसीव करके उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि यस मैंने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया। तब तक की सारी कॉस्ट, सारी ड्यूटी, सारे टैक्सेस सेलर पे कर रहा होगा। जी नहीं साहब, ब्लू वेयर हाउस को शो कर रहा है ना बायर के? जी, फर्स्ट वेयर हाउस को शो कर रहा है। अच्छा, इसमें फर्स्ट वेयर हाउस और सेकंड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे तो मुश्किल है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन जितनी भी इनको टर्म है ना वो ये चार प्लेसेस की बात कर रही हैं, सेलर प्रेमिसेस, टर्मिनल, बायर प्लेसेस, बायर प्रेमिसेस एंड फर्स्ट वेयर हाउस। जो सारी जिम्मेदारी है ना वो फर्स्ट वेयर हाउस पर ख़त्म हो जाती। अब बायर बैठा है फॉर एग्जाम्पल लाहौर में और जिम्मेदारी थी पहले वेयर हाउस तक पहुँचाने की, पहला वेयर हाउस कराची में आ गया, तो कराची के बाद की जिम्मेदारी बायर की है, चाहे वो DDP क्यों ना करवा रहा है।
कराची के से लेके लाहौर तक की ट्रांसपोर्टेशन, कराची से लेके लाहौर तक की कॉस्ट, इंश्योरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर अब्सॉर्ब करेगा। सेलर लाहौर तक पहुंचाने का जिम्मेदार नहीं होता, सेलर फर्स्ट वेयर हाउस तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है। फर्स्ट वेयर हाउस पे अनलोड कर दिया, कहानी खत्म। अब उसके बाद वो तो मतलब कंसोलिडेट करके लेके जाना चाहता है बायर, बायर उसको ब्रेक बल्क करके ले जाना चाहता है, बायर थोड़ा थोड़ा क्लियर करवाना चाहता है, वो बायर की जिम्मेदारी है। जी नहीं साहब, सर इसमें जो क्वेरी इस तरह से पूछना चाह रहा है, जैसे हमारी जितनी भी बायसी शिपमेंट होती है वो तो कराची में आती है, क्योंकि हमारा जो है वो हेड ऑफिस कराची में, ठीक है, और करंगी वेयर हाउस है हमारा, ठीक है, लेकिन हमारी रिफाइनरी है मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान से करीब है, एटलीस्ट 1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइव है, ठीक है, तो जितनी जो है वो बाय एयर शिपमेंट है वो लाहौर आती है, ठीक है, तो अगर DDP है तो वो उसमें जो है वो वेंडर जो है वो वहां पे जो हमारे मुजफ्फरगढ़ रिफाइनरी है वहां ले जाके देता है। फर्स्ट वेयर हाउस आपने डिक्लेयर किया है मुजफ्फरगढ़, जो फर्स्ट वेयर हाउस आपने डिक्लेयर किया है ना वो मुजफ्फरगढ़ है। मीन्स आप बाहर को आपने कह दिया कि आप मुझे मुजफ्फरगढ़ पहुंचाएंगे तो ये मेरा फर्स्ट वेयर हाउस बनेगा, ये मेरा फर्स्ट वेयर हाउस है, मेरा कोई प्राइमरी वेयर हाउस और कोई नहीं है। लेकिन राइस के केस में, फ्लावर के केस में, स्टार्च के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी वेयर हाउसेज अलग अलग होते हैं। होता क्या है कि आप राइस को अनलोड कराते हैं सारे के सारे गवादर टर्मिनल पे या कोरंगी टर्मिनल पे, और फिर उसके बाद उसकी पॉलिशिंग जो है ना वहीं करवा लेते हैं, क्योंकि राइस अनपॉलिश और राइस पॉलिश में ना वेस्टेज का बहुत फर्क होता है। जब राइस पॉलिश होता है ना उसमें बहुत वेस्टेज निकलती है, तो वेस्टेज को बचाने के लिए, क्योंकि बेसिकली आप ये नहीं चाहते कि मैं वेस्टेज ट्रांसपोर्ट करूं, मींस कराची से लेके लाहौर तक मैं वेस्टेज को ट्रांसपोर्ट करूं, तो आप करते क्या है, आप बायर को सेलर को कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कोरंगी पोर्ट तक, कोरंगी पोर्ट पर खत्म, कोरंगी पोर्ट पर तुम अनलोड कर दो। जब ये सारा राइस अनलोड हो जाता है तो ये यहीं रिफाइन होता है, यहीं क्लीन होता है और यहीं पैक होता है, और फिर पैक फॉर्म में ये लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान भेजा जाता है। तो इस केस के अंदर फर्स्ट वेयर हाउस का मतलब है कराची। लेकिन अगर मैं बायर हूँ और मैं बायर को कहता हूँ कि मैं लाहौर बेस्ड काम कर रहा हूँ और मुझे आप मेरा फर्स्ट वेयर हाउस आप लाहौर कंसिडर करें, तो अब क्या होगा, आप DDP के अंदर पहले वो अनलोड करेगा पोर्ट पे, पोर्ट पे क्लियर कराएगा, फिर एक और कार्गो पे लोड करेगा, और वो कार्गो पे लोड करके लाहौर जब तक नहीं पहुंचा तब तक मेरी जिम्मेदारी नहीं, तब तक एज बायर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मैं सेलर को बता दूंगा कि माय प्रीमिसेस इज लाहौर, माय फर्स्ट वेयर हाउस इज लाहौर। अब आप रास्ते में कहीं भी रुक रहे हैं, रास्ते में आप 6 जगह रुकते रुकते भेज रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने वाया दुबई कोई चीज भेजी, तो दुबई अनलोड हो रही है, तो क्या इसका मतलब है फर्स्ट वेयर हाउस दुबई पे आ गया? नहीं, मैंने कहा कि फर्स्ट वेयर हाउस या टर्मिनल DAT के अंदर अगर हम बात करें तो टर्मिनल इज कराची पोर्ट। अब तुम इसके पहले 6 पोर्ट पे उतारो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी जिम्मेदारी कराची पोर्ट से शिफ्ट होगी। जी अजहर अहमद साहब, सर बस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस हवाले से कि जो फर्स्ट फेयर हाउस है वो तो पोर्ट हो गया ना, पोर्ट पे उतर गया खत्म। नहीं मैं ये समझ रहा हूं, डिलीवर ड्यूटी पेड का मतलब है फर्स्ट फेयर हाउस बायर का वेयर हाउस, ठीक है, बायर का अपना कोई भी पहला वेयर हाउस जिसके ऊपर आप लिख के देंगे, वो आप कोरंगी भी लिख सकते हैं, वो आप कराची भी लिख सकते हैं, वो आप लाहौर भी लिख सकते हैं, वो आप मुल्तान भी लिख सकते हैं, सेलर जिम्मेदार है वहां तक पहुंचाने का। क्योंकि सर वहाँ पे जब होता है पोर्ट पे भी तो एक बार अनलोड होता है, और फिर वहाँ पे जब तक क्लियरेंस नहीं होती सारी चीजें नहीं होती, तो बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है तब तक। लेकिन वो जिम्मेदारी DDP के अंदर सेलर की है, अगर बॉन्डेड वेयर हाउस को भी आग लग गई तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने का, ठीक ठीक है। फिर आती है ग्रुप टू इनकोटम। सर इसमें एक सवाल था, जी मास साहब, सर इसमें जो पेमेंट है वो पेमेंट जो है वो बायर मतलब एडवांस पेमेंट पे सारी बात होगी या जब बायर को मिल जाएगा सामान उसके बाद वो पेमेंट करेगा? पेमेंट टर्म्स जो है ना तमाम चैनल्स में पेमेंट टर्म्स CAD हैं, पेमेंट टर्म्स LC हैं। अब आपने LC लिखी है एट साइट, ठीक है, और इनको टर्म लिख दिया DDP, तो अब मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया ना बैंक टू बैंक, पेमेंट चली जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर बायर सेलर को, लेकिन जिम्मेदारी ट्रांसफर कब होगी? जब वो बायर की प्रीमिसेस पे पहुंचेगा। इनको टर्म पेमेंट टर्म डिफाइन नहीं करता, इनको टर्म रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता। पेमेंट आपकी LC डिफाइन करती है, CAD डिफाइन करता है, बैंक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है, ठीक है। ठीक है, फिर आता है फ्री अलोंगसाइड शिप। इसका मतलब ये है कि शिप पे लोड होने से पहले तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि वहाँ पे था कि आप टर्मिनल तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं, अगर आप सी फ्रेट कर रहे हैं और फ्री अलोंग साइड शिप है, इसका मतलब ये है कि शिप पे पहुँचने तक इसमें टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी आ गए, इसके अंदर जो है प्री कैरिज इंश्योरेंस भी आ गया, इसके अंदर इंस्पेक्शन भी आ गया, इसके अंदर
पहले कैरियर की पेमेंट भी आ गई, सब कुछ आ गया, तब तक सेलर जिम्मेदार है। जैसे ही पहले कैरियर से उतर के पोर्ट पर लग गया, पोर्ट पर लगने के बाद से बायर की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। अब उसको शिप पर रखवाना, इसको क्लियर कराना, इसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस देना, ये सारी जिम्मेदारी बायर की है। सेलर की जिम्मेदारी सिर्फ शिप से पहले तक की है। इसके अंदर ये जरूर समझना है कि इसके अंदर जो कॉस्ट है या इसके अंदर जो क्लियरेंस है वो सेलर करवा, सेलर नहीं करवा के देगा, बायर करवा के देगा। सेलर सिर्फ इसके अंदर हैंडलिंग चार्जेस देगा, टर्मिनल हैंडलिंग के जो भी चार्जेस होंगे वो देगा। इसकी एक्सपोर्ट क्लियरेंस कराना बायर की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद एक लेवल अप हो जाता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड के अंदर सेलर एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी देगा, सेलर सारी पेमेंट्स भी करेगा, सेलर सारे हैंडलिंग चार्जेस भी देगा, और सेलर जिम्मेदार होगा पोर्ट शिपमेंट को बोर्ड पे या शिपमेंट को वेसल पे चढ़ाने का। अब ये सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस की बात नहीं हो रही, यहाँ एक बहुत क्रूशल टाइम है, एक बहुत क्रूशल चीज है, वो है समझना। वो ये है कि वेसल जो है वो आता है हर 15 दिन 20 दिन 18 दिन में एक दफा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट पहुंच गया वेसल, प्रोडक्ट पहुंच गया आपके टर्मिनल 1 तारीख को महीने की, और वेसल आना था 18 तारीख को, तो 18 दिन का जो डैमेज है ना ये सेलर पे करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर जिम्मेदार है इसको बोर्ड पे लोड करने का। जब तक शिप के ऊपर रख नहीं जाता तब तक बायर कोई कॉस्ट नहीं बेयर कर रहा, तब तक बायर कोई पेमेंट नहीं दे रहा, तब तक बायर की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अगर 18 दिन या 20 दिन या 50 दिन वेसल लेट हो गया, या किसी वजह से आपकी शिपमेंट लोड नहीं हो सकी, क्यूसी इंस्पेक्शन में चली गई, आपकी पैकेजिंग ठीक नहीं थी, कोई भी मसला हुआ, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा पैसा, सारी कॉस्ट सेलर की है, बायर की कोई कॉस्ट नहीं है। फिर आता है CFR, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉस्ट एंड फ्रेट। इसके अंदर सेलर जो है वो कॉस्ट देता है टर्मिनल की और फ्रेट के पैसे दे देता है। इसके अंदर इंश्योरेंस जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है कि इंश्योरेंस बायर कराएगा या इंश्योरेंस सेलर कराएगा। CFR के अंदर बहुत मरतबा सेलर इंश्योरेंस करा रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करा रहा, बायर जिम्मेदारी इंश्योरेंस की बायर की, और अगर सेलर ने इंश्योरेंस करा भी दिया तो और उसको क्लेम करना है तो वो जिम्मेदारी बायर की ही है, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेलर सिर्फ कॉस्ट के रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी टर्मिनल के अंदर कॉस्ट लग रही है, जो भी हैंडलिंग चार्जेस लग रहे हैं या जो भी पोर्ट टू पोर्ट चार्जेस लग रहे हैं वो सेलर बेयर करेगा। और आखिरी में है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट CIF। CIF के अंदर भी सेलर इंश्योरेंस पे कर देगा, सेलर ट्रांसपोर्टेशन पे कर देगा, लेकिन जिम्मेदारी उसकी फ्री ऑन बोर्ड वाली होगी। मीन्स अगर पहले बोर्ड पर रख दिया, इसके बाद सारी जिम्मेदारी बायर की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, इंश्योरेंस क्लेम करना भी बायर की जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, 2010 और 2020 के दरमियान डिफरेंस, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स थे कॉस्ट के, कॉस्ट पे उन्होंने बड़ा पर्टिकुलर कर दिया है। इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट जो है वो CIP और CIF के अंदर सेलर के ऊपर डाल दिया है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये इन दो के अंदर CFR और CIF पे 2010 ने जो है ना इंश्योरेंस सेलर के ऊपर डाल दी थी, सेलर करवाएगा ही, लेकिन इसके अंदर स्टेटस को कर दिया है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कवर करवाए, करवा के देगा तो अच्छी बात है, नहीं करवाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं। और DAT को DPU से कन्वर्ट कर दिया, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड कर दिया है इसको। इसका मतलब यह है कि प्लेस अब सिर्फ टर्मिनल नहीं है, कोई और प्लेस पे भी उतारा जा सकता है, ये बायर और सेलर के दरमियान डिस्क्रीट डिसीजन होगा, ठीक है। ये 2010 के चार्ट है कि 2010 के अंदर जो आपको 12 ड्यूटीज बताई थी वो कहाँ पे, सबसे ज्यादा देखें सबसे ज्यादा मुश्किल सेलर के लिए DDP और सबसे आसान सेलर के लिए है XWORK। इसके दरमियान सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रही होती हैं। फिर ये 2020 या 2020 की सारी वैसी ही हैं जैसी थी, सिर्फ ये डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड चेंज हो गए। डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड का मतलब ये है कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है अनलोडिंग फ्रॉम मेन कैरियर से, ठीक है। फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंपोर्ट क्लियरेंस ना, और इसके बाद पोर्ट से इंपोर्ट के लिए लोड करना, ट्रांसपोर्ट करना, फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन ये बहुत फायदा है बायर को। बायर अगर चाहता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिनिमम करे और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैक्सिमम करे और DDP भी यूज नहीं करना, तो ये आप DPU यूज कर सकते हैं। DPU के अंदर ये है कि आप सिर्फ इंपोर्ट क्लियरेंस कराएंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करेंगे, अनलोडिंग, लोडिंग, कंटेनर हैंडलिंग, पोर्ट हैंडलिंग और सारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पेयर करना जो है वो सेलर की जिम्मेदारी है। ये इसका चार्ट है, इसको समझने के लिए कि सारी चीजें कैसे जो है वो यहाँ पे काम कर रही होती हैं। तो DPU जो है उसके अंदर अच्छी, मैं तो ये कहूँगा कि इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट ऐड कर दिया है कि जहाँ पे आप जो है वो पोर्ट पे लोडिंग,
ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग एट नॉमिनेटेड प्लेस, ये सारी की सारी जो है वो आप सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं ताकि आप अपनी बहुत सारी ऑब्लिगेशन से बच जाते हैं। ये आपके इनकोटर्म कम्प्लीट। अब जी अजय साहब। सर सब क्लियर हो गया, बस एक छोटी सी चीज है। अगर मैं अपने आपको सेलर रखता हूँ और अगर मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ और बायर ने उसको क्लेम करना है तो मैंने तो इंश्योरेंस सबसे जलील वाला ही कराना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी अच्छा नहीं कराना, कभी भी अच्छा नहीं कराना, और मैं सबसे जलील वाला ही कराऊंगा। मैं ऐसा इंश्योरेंस कराऊंगा उसको क्लेम करते करते उसको उसकी नानी याद आ जाए। सर फिर तो गलत है ना, मैं अपने टर्म्स खराब कर रहा हूँ। मैं तो मतलब नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा यही है ना, क्योंकि बायर ने तो इंश्योरेंस कराना ही है। अब सी एफ आर भी है ना, तो बायर ने इंश्योरेंस कराना है, तो फिर तो मैं सबसे जलील इंश्योरेंस ही कराऊंगा, क्योंकि कभी उसने क्लेम तो करना नहीं है इसको। बाकी सबको समझ में आया? मुझे बाकी सब जो है ना गायब नजर आ रहे हैं। ये तीन चार आदमी जो है ना बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सब गायब हैं। काफी समझ आ रहा है सर। गुड, थैंक यू मोहसिन साहब। माज अहमद साहब, आपको समझ में आ गया? मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, समझ में आ गया। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कैसे हैं आप? आप बड़े साइलेंट लिसनर हैं हमारी क्लास के यार। सर एक चीज है, अगर बायर सेलर के दरमियान रिलेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये सब चीजें मतलब एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे हो जाती हैं। मतलब फिर आप इंश्योरेंस करवाएं तो मतलब बहुत ज्यादा हाईली पेड इंश्योरेंस ना भी करवाएं तो डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता फिर तो आप बहुत। लेकिन देखें बात सारी आती है, ये जो रिलेशनशिप्स है ना, देखिए दुनिया में कोई रिलेशनशिप हो, जिंदगी में कोई रिलेशनशिप हो, या बायर सप्लायर का रिलेशनशिप, पता तब चलता है जब सब पर पड़ती है ना। सर पे जब पड़ेगी ना तभी पता चलेगा कि असल में कितना अच्छा रिलेशन है। एक 3-4 करोड़ रुपए की शिपमेंट है, एक कंटेनर के अंदर 30-40 हजार डॉलर की शिपमेंट आ जाती है, सिर्फ उसको क्लेम करने के वक्त ही ना, सिर्फ उसकी क्लेम हैंडलिंग के अंदर ही ना आपके को 2-4 हजार डॉलर खर्च हो जाते हैं। तब वो कितना अच्छा रिलेशनशिप है ये तब पता चलेगा जब क्लेम हैंडलिंग आप बायर को बोले, सेलर को बोलेंगे यार मेरे लिए कर दो, तो वो बोलेगा आप कौन भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको। तो बोलेगा यार हमारा तो इतना साल का रिलेशनशिप था। वो बोलेगा ये रिलेशनशिप जो है ना ये उस वक्त तक था जब तक कोई मसला नहीं आया, अब मसला आया अब अपना बंदा भेजो, इसको चाइना में रुकवाओ, मैं उसके रहने के खर्चा मैं दे दूंगा, होटल में दे दूंगा, खाना मैं खिला दूंगा, लेकिन मेहनत वो करेगा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है। मदिया नाराज होकर चली गई। मदिया ने बोला बस हो गई अब मेरी ना, अब नहीं समझ सकती मैं। फरजाम आप ठीक हो? हुआ है चक्कर लगाया डॉक्टर के पास? शाहरुख सुल्तान साहब। सर आपने जैसे भी बताया कि में ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज है उस सेलर की हो जाती है, सर इसमें सेलर का क्या फायदा, ज्यादा तो बायर का फायदा हो रहा है। कॉस्ट चार्जेस भी वो पे में सारी रिस्पांसिबिलिटी सेलर की होती है और एक्सवर्क में सारी रिस्पांसिबिलिटी बायर की होती है। तो ये जो इनकोटर्म है ना ये रखी है नेगोशिएशन के लिए है ना। अब एक पॉइंट आता है जिसके बाद बायर या सेलर प्राइस पे नेगोशिएट नहीं कर रहे होते, इनकोटर्म पे नेगोशिएट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन है मेरे हिसाब से, इनकोटर्म सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन है। अगर आपको पैसे बचाने ना तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है सेलर से मैक्सिमम डिस्काउंट ले लें, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो फिर आप इनकोटर्म पे नेगोशिएट करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल एक बहुत बड़ा पार्ट है, खासतौर पर शिपमेंट की कॉस्ट और शिपमेंट की प्राइस अगर आप देखें ना तो बहुत बड़ा पार्ट है। जी साहब जबरदस्त। सर जिन जिन ट्रांजेक्शन में 2020 में चेंजेस हुई हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर में कुछ मतलब कुछ एक्सपीरियंस हुआ था वर्ल्ड ने, कुछ एक्सपीरियंस किए थे केसेस? डीपीयू में बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है डिलीवर्ड एट टर्मिनल में, कि कस्टमर जो है वो सेलर जो है वो रिस्पांसिबिलिटी देता था सिर्फ और सिर्फ वहां तक की जहां तक टर्मिनल है। अब टर्मिनल के लोडिंग अनलोडिंग की जो है ना चार्जेस नहीं बियर करता। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लिख दिया गवादर टर्मिनल, अब गवादर टर्मिनल पे उस प्रोडक्ट को अनलोड करने के लिए कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, आपको कराची से भेजनी है, तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी कि जो सेलर ने बेयर करनी पड़ती थी, या बायर और सेलर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता था कि यार अब तो। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, 2018 की एग्जांपल है, 2018 के इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया था और के इलेक्ट्रिक को एक पार्ट जो है एक विंड मिल जो है ना वो इम्पोर्ट करना पड़ा था अर्जेंट बेसिस पे। 18 दिन की एलसी खुली थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अमाउंट की सबसे शॉर्टेस्ट टाइम की एलसी खुली थी, वो 18 दिन के अंदर वो एलसी मैच्योर होनी थी। अब वो जो पार्ट था ना उसकी अनलोडिंग के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरी इतनी बड़ी कोई क्रेन ही नहीं थी कि उसको अनलोड करना है, तो एक शिप के अंदर वो प्रोडक्ट और उसकी अनलोडिंग साथ आई थी, मीन उसको जो अनलोड करने वाली क्रेन है वो भी साथ आई थी। अब वो अनलोड तो हो गई, अब ये क्रेन वापस कैसे जाएगी, ये किसकी जिम्मेदारी,
सेलर बायर कहता है कि यार ये तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी क्रेन है। सेलर कहता है मैंने तो अच्छे टर्म्स के अंदर आपको क्रेन भेज दी थी, अब आप क्रेन वापस भेजने के चार्जेस भी मुझसे लेंगे। तो वो क्रेन फिर पूरे कंटेनर के अंदर रख के खाली भेजी गई, मतलब खाली पूरा एक कंटेनर का लोड उसने उठाया क्रेन ने, और कंटेनर के पैसे पैसे भर के पाकिस्तान ने उसको वापस भेजा। तो जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये बहुत नुकसान हुआ, इससे बेहतर ये था कि इसको इनहाउस रिपेयर करवा लेते। वो आसान क्या लगा यार, रिपेयर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या रिपेयर करवाएं रिप्लेसमेंट, रिपेयर के इतने पैसे लगे, रिप्लेसमेंट इतने समय हो रही है, उन्होंने कहा रिप्लेस करा, लेकिन वो फिर $3,000-5,000 जो उसके ऊपर रिप्लेसमेंट जो उसको वापस भेजने की कॉस्ट आई, और फिर जब उसको एवेल्युएट किया गया तो ये बहुत जगह जो हम पढ़ा था ना मेक और बाय डिसीजन, ये अब आपको मेक और बाय डिसीजन में आसानी देगा कि कहाँ पे आपको वेंडर से निगोशिएट करना है, कहाँ पे नहीं करना। वेंडर कॉस्ट पे निगोशिएट नहीं करा, कॉस्ट हटा दो, इनकोटम पे निगोशिएट कर दो। कहने को ये तीन अल्फाज हैं लेकिन इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आप अपनी कंपनी को समझा सकते हैं कि मैंने मॉनिटरी में नहीं बचाया लेकिन नॉन मॉनिटरी आपका कितना पैसा बचा लिया। जी अजय साहब, सर एक और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया, जैसे आपने एक बात की कि गवादर पोर्ट पे जी ये उतारेगा और ये जिम्मेदारी जो है ये सेलर की है। अब गवादर पोर्ट पे सारे अरेंजमेंट्स ये वेसल के थ्रू करवाएंगे, वहां पे बायर करवाएगा, जिम्मेदारी सेलर की है लेकिन जिम्मेदारी है, पेमेंट नहीं है। इसीलिए डीपीयू बनाई गई कि डीपीयू के अंदर पेमेंट भी डाली गई और जिम्मेदारी भी डाली गई। यही लफ्ज था ना, जिम्मेदारी और पेमेंट का लफ्ज बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था डीएटी के अंदर। साद खलील साहब कैसे हैं आप, दो दो जगह से ऑनलाइन है, मुझे दो नजर आ रहे हैं या है वाकई दो ही? साद खलील साहब एक सवाल था जी, फरजान साहब दोनों जगह से पड़ेगा तो डबल आएगा जी, फरजान साहब बोले। सर अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कभी कभी जो बायर होता है वो अपना पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन चेंज करा लेता है। अब जैसे आपने कराची और गवादर पोर्ट की बात करी, उसके अंदर चार्जेस में फर्क आ जाता है अनलोडिंग का, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? अगर पोर्ट आपने एलसी खुलने के बाद चेंज कराया ना, तो अगर कोई डिफरेंस नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आपके सेलर ने कैलकुलेट किया है कि $3,000 टोटल आएगी कॉस्ट आपकी हैंडलिंग की और अनलोडिंग की, अगर गवादर और कराची में डिफरेंस नहीं है तो सेलर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस, तो फिर बायर को वो डिफरेंस पे करना पड़ेगा। इसीलिए जो है ना, आप अक्सर जगह देखते हैं कि लिखा हुआ आता है इतने की एलसी इररिवोकेबल, इरिवोकेबल एलसी खुलती है इसलिए कि आप कोई भी चीज बायर की कंसेंट के बगैर चेंज नहीं कर सकते, सेलर की कंसेंट के बगैर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इरिवोकेबल एलसी खुलवाते हैं। हाँ जी, अब दो ऑप्शन है, एक तो हम ब्रेक लें फिर वापस आए फिर समझें जो समझना है पेपर से रिलेटेड, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी समझ लें। अभी समझ लेते हैं सर, क्लास अर्ली अभी समझा देते कर लेते हैं। वेरी गुड सर, अभी ही समझा दें। अच्छा अटेंडेंस ले लेते हैं, तो जिन लोगों को जो है वो जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है, शुजा और रहमान नहीं आया आज, इसके चक्कर में दो दफा जो है ना मैं ये समझा कि तुम्हारा एचओडी आके बैठ गया, उनका नाम भी शुजा साहब है, मैंने कहा ये शुजा साहब क्यों बैठे हैं, मैंने देखा मैंने कहा शुजा और रहमान है। सोले आसिफ साहब आए आए हैं, मैं देख रहा हूँ ये ज्यादा आसान है इस तरह देखना, दो ही लोग नजर नहीं आ रहे बस मुझे, शुजा और रहमान नजर नहीं आ रहा, और एक हमारे अलवी हैं, शाहरुख सुल्तान है, आदिल वकार नहीं आया आज, यार हैरत की बात है, मेरा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं आया आज। सर वो गांव से वापस आ रहा है रास्ते में, अभी गांव से वापस आ रहा है जी। इकबाल शाह, जफर बलूच, नबील अब्दाली, नबील अब्दाली, काशिफ भी नहीं आया आज, नियाल शेब, नियाल शेब लेफ्ट कर गया था क्लास, कोई बात बुरी लगी होगी सर, मेरी तरफ से माजर कर लेना। और एक साहब और हैं, साजिद अली, साद खली, सुहेब अहमद शेख, बिलाल उर रहमान,
शबाद शबाद हैं शबाद अहमद नजर आ रही ओके माइक नॉट वर्किंग माइक नॉट वर्किंग यस सर मैं गुड चलें अब आप सवाल पूछें पेपर से रिलेटेड अफशीन साहब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना था यस सर क्या समझना है उसमें सर मैं असाइनमेंट मैंने देखा था तो उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उसका जो क्वेश्चन वन था पूछे सर पहले तो थैंक यू सो मच आपने असाइनमेंट खोल के देखा सर आई ट्राइड टू सॉल्व इट शुरू में तो हो गया था बस ये केस स्टडी में मैं मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी ठीक है आप क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक कर लेती हैं तो मैं आपको स्पेसिफिकली समझा देता हूं ठीक है सर एक लेट मी जस्ट ओपन द असाइनमेंट अच्छा जो प्रेजेंट हैं और हेलो सर जी जी सर मैं प्रेजेंट हूं जी जी प्रेजेंट हैं आप बिल्कुल आपको बाय शिप पे मॉडल समझना था ना जी सर सर वो तो आप कह रहे थे ना कि थोड़ा जोर से बोलिए सर वो तो आप कह रहे थे कि आप ब्रेक देंगे तो उसमें आप खुद समझेंगे फिर आप समझाएंगे आपको वाकई ये बात सच लगी मेरी है नहीं सर मैं आप समझ नहीं सके ना सर आप मासूम हैं देखे हमारी कितने मासूम हैं हम सवाल वेट कर रहे कि ब्रेक आएगी उसमें समझूंगा फिर मैं इनको समझाऊंगा यार मैं दिल पशोरी कर लेता हूँ लेकिन आता है मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना भी आता है पढ़ाना भी आता है ये है आपका बायशिप पे मॉडल यही है जी सर अच्छा बायशिप पे मॉडल बेसिकली बना क्यों था या बायशिप पे मॉडल है क्या देखिए इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की उसके अंदर फोर पिलर्स पहले डिस्क्राइब किए गए थे कि ट्रांसपेरेंसी क्या है सिंप्लीफिकेशन क्या है हार्मोनाइजेशन क्या है और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाट इज योर मोटो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप पैसा कैसे वापस लेके आएंगे ठीक है तो पहले इन ट्रेड फैसिलिटेशन के पिलर्स बनाए गए चार के आप सबसे पहले रखेंगे ट्रांसपेरेंसी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली अवेलेबल करेंगे सिंप्लीफिकेशन रखेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो पानी की जगह H2O लिख रहे होंगे और अमोनिया की जगह अमोनियम हाइड्रेट लिख रहे होंगे आप बड़ी सिंपल रखेंगे चीज़ों को ताकि लेमैन भी डॉक्यूमेंट्स को समझ सके हार्मोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी तो आपको ऐसा एक सिस्टम बनाना है या ऐसा एक मॉडल बनाना है कि जो सबके लिए सिमिलर हो अब सिमिलर और सेम में फ़र्क होता है सिमिलर मतलब डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड होगा UCP 600 पे LC खुलेगी UCP 500 पे LC खुलेगी इंटरनेशनल बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन के मुताबिक जो है बैंक कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा एक्सवर्क्स इनकोटर्म्स 2020 के मुताबिक आप इनकोटर्म यूज़ करेंगे ये हार्मोनाइजेशन के ही आगे के पार्ट्स है मीन्स हार्मोनाइजेशन करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ी कि जिसकी वजह से आप चीज़ों को क्लियर कर सकें और आखिर में आता है स्टैंडर्डाइजेशन तो बाय शिप पे मॉडल डेवलप करता है और बाय शिप पे मॉडल बताता है कि जो आपकी पार्टीज है ना वो क्या क्या चीज़ें करेंगी मीन्स अगर एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे आपकी आप जो है पैकेजिंग रेडी रखेंगे आप डिलीवरी की एडवाइजरी बनाएंगे फिर एक्सपोर्ट करना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्ट करनी है तो आपकी ऑब्लिगेशन कौन कौन सी किस किस के ऊपर आएंगी इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट के लाइसेंस ऑब्टेन करेंगे ट्रेड सिक्योरिटी ऑब्टेन करेंगे आप अपने बैंक को इत्तला करेंगे और इम्पोर्ट कर लिया तो आप फिर पेमेंट करेंगे क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे तो बाय शिप पे मॉडल आइडेंटिफाई करता है की एक्टिविटीज़ के जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व होते वक्त आप एज सेलर या बायर कर रहे होते हैं कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो अंडरलाइन होती हैं ठीक है ना अब आपने एक्सपोर्ट करवाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है अपनी बैंक को कांटेक्ट करें अपने बैंक को रेडी करें डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करें ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाड़ी भर के आप जो है सामान लेके पोर्ट पे पहुंच गए और पोर्ट वाले आपको समझा रहे हैं कि नहीं यार पैक इस तरीके से करो शिपिंग लेबल इस तरीके से लगाओ इसके ऊपर पैकिंग लिस्ट इस तरीके से लगाओ ये सब आपको खुद करके जाना है ये ही बाय शिप पे मॉडल आपको बता रहा होता है माज़ अहमद सिद्दीकी साहब आपका कोई सवाल
सर एक सवाल था, ये आपने असाइनमेंट में जैसे एक सवाल दिया था ट्रांसफर प्राइसिंग के हवाले से, तो इसकी थोड़ा ब्रीफ कर देंगे क्या चीज है? यस सर, जो क्वेश्चन वन था ना केस स्टडी का, कि डू यू थिंक कंट्रीज एफर्ट्स टू लिमिट ट्रांसफर प्राइसिंग आर इफेक्टिव? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले समझा देता हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है, ठीक है? बेसिकली इसको मैंने इस तरीके से नहीं जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक दूसरे तरीके से आपको समझाया था, जो मैंने आपको पेरेंट कंपनी और नॉन पेरेंट कंपनी की एलसीज बताई थी, कि पेरेंट कंपनी जब अपनी एलसी ट्रांसफ़र कर रही होती है तो करती क्या है कि वो सेलर की कंट्री के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ करती है कि वो अपनी एलसी खुलवा ले अपने नाम पे, और जब वो पेमेंट करनी होती है तो वो ट्रांसफ़र कर देती है उस पेमेंट को जॉर्डन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको अपने केस के अंदर पेट्रा जॉर्डन और पेट्रा लोकल के बारे में बताया था, ठीक है? अब कंट्रीज का जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, इसको लिमिट करने पे बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, ठीक है? मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, वरना क्या करती थी, ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए बड़ा फायदा होता थी। अब ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या होती ये है कि आपको कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जीएसके को कोई मटेरियल मंगवाना है, तो जीएसके को मटेरियल मंगवाने के जीएसके के पास दो ही तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट इम्पोर्ट करे या किसी ऐसी कंट्री में इम्पोर्ट कर दे जहाँ पे टैक्सेस एंड ड्यूटी जीरो है, और वहां से इम्पोर्ट करने के बाद वहां पे थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करा के उसको अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करा ले। अब जिस कंट्री के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो होंगी ना, उसका मतलब ये है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होने की वजह से वो एक्सपोर्ट करने पे बहुत फायदा देती है। तो कंट्रीज ना इस गिमिक को या इस बैरियर को या इस गलती को ना इस्तेमाल करती थी ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए। होता यह था वो मंगवाती कहीं और थी, शो अपने पास करती थी, और अल्टीमेटली उनको सेल्स टैक्स बेनिफिट मिल जाता था। कंट्रीज बहुत जगह पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूज करती थी जहाँ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस था, मीन्स एक्सपोर्ट की प्राइसिंग कम थी, इम्पोर्ट की प्राइसिंग ज्यादा थी। तो वहाँ तो ऐसी कंट्रीज के लिए ना इंटरनेशनल लॉ बड़ा काम कर रहा है, लेकिन अभी भी वो इस बैरियर को, इस गैप को कम नहीं कर पा रहा। ये ट्रांसफर प्राइसिंग को अगर समझना है तो बहुत आसान तरीका है कि जो चीनी का बोरान हुआ उसको समझें, वो ट्रांसफर प्राइसिंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी। कि पहले आपने ओवर प्रोडक्शन की, ओवर प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट करने के बाद जब आपके पास शॉर्टेज हुई तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और अब आप इस बैलेंस को कभी भी पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि एक एरा खत्म हुआ और चीनी फिर से 60 रुपए की हो गई, अब चीनी ऊपर ही होती जा रही है। रीजन बिंग कि अब लोगों को इसका गेम समझ में आ गया, लोगों को इसकी गलती समझ में आ गई, और अब उस गलती से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं जब तक कि गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती। तो ये है कॉन्सेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का। जी सर, गवर्नमेंट की तो इंटरवेंशन ऑलरेडी है ना, प्राइस तो कंट्रोल्ड है मार्केट में। आपको मुझे नजर आ रहा है ना कौन सी कंट्रोल्ड है प्राइस, कितने की है चीनी इस वक्त? सरकारी नर्ख जो है वो 65 रुपए आई गेस। सरकारी छोड़ो, मिल कितने की रही है? वो तो सर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है ना बीच में, 110 की मिल रही है सर। हाँ, आप ये मत देखो कि सरकारी, मैं आपको कल पेट्रोल के देख सरकारी 20 रुपए कर दूंगा तो 20 रुपए में पेट्रोल मिलेगा? यही गेम है ना, यही मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो इम्पोज कर सकती है ना, वो प्राइसिंग कर सकती है। प्राइसिंग को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए एक और बॉडी होती है, गवर्नमेंट प्राइसिंग इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकती, पता है आपको? गवर्नमेंट प्राइसिंग लिख के दे सकती है, प्राइसिंग को इनकॉर्पोरेट करना सिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। और आपने आर्टिकल जो 18वीं तरमीम की है उसके बाद आपने सिटी काउंसिल से सारे राइट ले लिए, मीन्स आपको मैं कुर्सी दे रहा हूँ, आपको मैं पेन दे रहा हूँ, मैं आपको पेपर नहीं दे रहा, मैं आपको लैपटॉप नहीं दे रहा, मैं आपसे काम की उम्मीद रख रहा हूँ। तो सर इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग? इसको लिमिट ऐसे कर सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ताइवान है, कि जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत हाई है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम है, या एक्सपोर्ट ड्यूटीज ना होने के बराबर है, आप उनको फोर्स करें कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बैरियर लगाएं, ठीक है? आप चीजों को लिमिट करें कि आप कोटाज लगाएं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर, कि आप एक एक चीज़ को एक सर्टेन अमाउंट में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक चीज़ को सर्टेन अमाउंट में ही इम्पोर्ट कर सकते हैं। तभी जैसे यूरेनियम पे कोटा है, टाइटेनियम पे कोटा है, ठीक है, इथेरियम पे कोटा है, कि इथेनियम जो है, जो कि शायद बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, वो कोटे के मुताबिक ही आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब आप फिर कोटाज लगाएं उसके ऊपर, ताकि आप जो है, दूध पे कोटा है, बड़े मजे की बात, मुझे भी अभी कुछ अर्से पहले ही पता चला कि दूध के एक्सपोर्ट पे कोटा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान दूध एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिस तरह का कोटा लगाया गया है उस तरीके से पाकिस्तान जीरो एक्सपोर्ट कर सकता है दूध, इंपोर्ट कर सकता है जितना चाहे, तो ये एक अजीब सी बात है। साथ साहब, साथ जफर नहीं, दूसरे वाले साथ साहब, साथ साहब है नहीं हमारे साथ,
साथ खलील साहब ऑनलाइन तो नजर आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही कोई उनके आज। और कोई सवाल? हसन कैसर साहब कोई सवाल? तुम लोगों ने फिर वीडियो बंद कर लिए, हाफिज साहब बेचारे वीडियो खोल के बैठे हैं, मूड खराब कर रहे हो तुम लोग मेरा, मैं पहले बता रहा हूँ। सर वीडियो देख के क्या मूड बनेगा? रिकॉर्ड हो रहा है सेशन हसन साहब, प्लीज ये यूट्यूब पे जाएगा, हजारों लोग देखेंगे आपको। ऑल्दो मेरी सब्सक्राइबर काउंट 37-38 है, फिर भी हजारों लोग देखेंगे आप। माशाल्लाह सर, वो भी आप लोगों जैसे पुराने कोई स्टूडेंट ही ना जिन्होंने जाते आते सब्सक्राइब कर दिया, बोला आप जा रहे हैं। हम लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी करेंगे, कर लेंगे। हाँ फराज साहब कोई सवाल नहीं है आपका? क्लास के शुरू में सवाल था, फिर गायब हो गए। नहीं सर अभी तो बस टॉपिक के इंतजार है। चलो टॉपिक टॉपिक के लिए हम आपका LMS खोल देते हैं, हमें भी याद करना है टॉपिक कौन कौन से हैं। सर आपने अभी पेन निकाल लूं? हाँ सर, आपने सबके नाम लिए थे अटेंडेंस के? मैंने सिर्फ उनके नाम लिए कि जिनका मुझे यकीन है कि आज नहीं है, क्योंकि 8 क्लासों के बाद आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद हो गए। जिनके नाम नहीं लिए उनकी अटेंडेंस लग गई है, इसका मतलब। हाँ जी, पहला टॉपिक था हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसमें ये वाली जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोविड एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको ज़रूर देख के आइएगा। फिर हमने बात की थी इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक स्टाइलाइज इंटरनेशनल ट्रांजिशन है जिसको हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी अपने कोर्स का एक पूरा फोल्डर बनाया है, यार ये फोल्डर है ये कोर्स है? सर मैंने बनाया, सर मैंने बनाया, हर कोर्स का बनाया, सर सॉलिड बनाया है फोल्डर, लेकिन अनफॉर्चूनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फोल्डर बना हुआ लेकिन अभी तक कोई चीजें नहीं है उसके अंदर। तो चलो अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, हम जरा